पिछले 3 दिन से हमारी बस्ती में पानी का टैंकर नहीं आया। अगर आज भी नहीं आया तो पता नहीं क्या होगा। आज तो हमारे घर में पीने के लिए भी पानी नहीं है। हमारे लिए आने वाला टैंकर पता नहीं कहाँ जा रहा है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। Oh my God, what's happening to this country? क्या हुआ राणा साहब? सुनामी के बहाने बेनामी लोग पैसे लूट रहे, डोनेशन के नाम पे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कलेक्ट करके धूम मचा रहे, लाइक पिक्स। तुम ही इतने दुखी हो तो डोनेशन देने वाले कितने दुखी होंगे? तुम सीरियस न हो जाओ तो मुझे एक डाउट है। सिली डाउट नहीं है तो सीरियस नहीं होगा। तुम बस्ती वाले होके सूट बूट वाले की तरह इंग्लिश कैसे बोलते हो? हाँ भैया, मुझे भी हमेशा यही डाउट है। ये जानने के लिए मेरी स्वीट मेमोरीज को तुम्हें शेयर करना होगा। बहुत ज्यादा स्वीट होगा तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, रहने दो। इनके बारे में तो नहीं जानता, मौका दे तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ। कार्ड डालूंगी। इस चिटफंड वाली जानकी से पंगा लिया ना तो चीर के रख दूंगी। समझ गए ना? अरे बस्ती में पानी नहीं आया क्योंकि सभी लोग परेशान हैं और तुम लोग यहाँ चौराहे पे बैठ के फालतू बातें कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, फालतू बात नहीं जानकी, हम तो राणा साहब के स्वीट मेमोरीज को शेयर कर रहे थे। मैं नहीं उसे रोका। बहुत हो गया, अब पानी का पता करो। 45 45, तू भाई का टैंकर ले जा। अच्छा साहब। हेलो, ट्रेजेडी चाहिए, कॉमेडी चाहिए, वाटर चाहिए, बॉटल नहीं टैंकर चाहिए। हेलो, ओए, ये क्या कर रहे हो? पब्लिक को परेशान कर रहे हो रॉन्ग नंबर बोल के। ये मुझसे क्या पूछते हो, वहाँ पूछो ना। जाके उस टैंकर के पानी में हम भी ऐश कर सकते हैं यार। हम उनसे क्यों पूछे? व्हाट्स द रीजन? रीजन? यस। तुमने सत्य बिहारी का नाम सुना है? उसका नाम सुनने के लिए कोई डाना की नेता तो इन वन है। क्या आज उनके भाई साधु का जन्मदिन है, सारे टैंकर्स वहीं गए हैं। बर्थडे के दिन इतना पानी क्यों चाहिए? हो सकता है पैदा होने के बाद पहली बार नहा रहा हो। अरे नहीं, रेन डांस करेंगे सारे के टुकड़ा टुकड़ा करके। सलाम भाई। क्या है बोल? हम पास वाली बस्ती के हैं। हाँ। 3 दिन से पानी नहीं आया तो? आप टैंकर छोड़ देते तो? टैंकर भी नहीं पानी भी नहीं, चल फोर। जुल्म करने की भी एक लिमिट होती है, डोंट क्रॉस योर लिमिट। अरे पानी पूछा तो मार क्यों रहे हो? अरे मुझसे बोलो ना, हाथ से क्यों बोल रहे हो? इतना काफी है या और भी चाहिए? क्यों बे, मार खा के हंसते हो? कुछ नहीं, तुम पे तरस खा के हंसी आ रही है। पहली गलती की टैंकर ना भेज के, दूसरी गलती की हमें मार के। गुरु सिर्फ एक ही गलती माफ करता है। गुरु कौन है? गुरु साला, बुलाओ उसे, देख लेंगे। गुरु को साला बोला? देखने का शौक है तो डेफिनेटली तुम्हें दिखा देंगे, लेकिन उसके पावर का झटका सहने की कैपेसिटी है तुम में? ए, और किसने ऑफ किया? कौन है बे तू? गलती करने वालों को सवाल पूछने का हक नहीं है। सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम लोग दोगे। हमारी बस्ती में जो वाटर टैंकर आने वाले थे, उन्हें जबरदस्ती यहां कौन लेकर आया? मैं, तो क्या करोगे? ऑल राइट, मेरे आदमी पर किसने हाथ उठाया? मैंने। तुझे क्या तकलीफ है? Ah!
आइंदा कभी लोगों को परेशान किया तो डांस करने के लिए तुम्हारे पैर नहीं रहेंगे। जंक्शन जंक्शन जाम हो जाएगा। अबे! He's the man. Thanks. गुरु गुरु, एक्सटील गुरु। कौन है बे? मीडिया गुरु। हाँ हाँ, फोटो जमीन पे चाहिए कि हवा में चाहिए? गुरु, तुम तो गरीबों के साथी हो, हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए गुरु। तो ये ले, क्लिक कर। ए वीरो का वीर तू, शूरो का शूर तू, धीरो का धीर तू, ए हीरो का हीरो तू, स्टारो का स्टार तू, ग्रेटो में ग्रेट तू। ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये गोविंद तो सबका है। नचले नचले ताताई, ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये गोविंद तो सबका है, हर दम ही तुम सबके दुखों को दूर करता है। ए वीरो का वीर तू, शूरो का शूर तू, धीरो का धीर तू, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जोश में कोई आएगा मुझसे वो मात खाएगा, प्यार से कोई मांगेगा जो भी चाहे वो पाएगा। मुझको तुमसे हुई मोहब्बत, मालूम है सब तेरी हकीकत। आपके फेस टू फेस प्रोग्राम में हमारे मैनेजमेंट से सवाल करने की वजह से हमारी नई हॉस्टल बिल्डिंग के साथ साथ बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी स्कॉलरशिप भी क्लियर हो गई है। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज हैव इट सर। ओके थैंक यू। हम जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहेंगे। नो 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 नो, आपको मेरा एहसान नहीं मानना चाहिए, अपने देश का और माता पिता का एहसान मानना चाहिए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, अपनी ड्यूटी निभाई है। सबको अपनी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। दैट्स इट।
सर प्लीज। ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा सर। तोहफा लेने वाला होता तो तुम्हारी प्रॉब्लम दुनिया के सामने नहीं आती। सर थैंक यू, गॉट इट? यस सर। अंदर सॉरी सर। नो मिस्टर सिद्धार्थ राज, अपने चाहने वालों के प्यार को ठुकराने से इन्हें कितना बुरा लगेगा ये सोचा आपने? इन्होंने इनके प्यार को नहीं गिफ्ट को ठुकराया है बॉस। अच्छा समझ गए ना। ओके ओके ओके, सी माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो चैनल में किसी को भी दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? क्रिएटिव टीवी एंकर पंकज कुमार मिश्रा उर्फ पीके मिश्रा। अच्छा पीके। पीके काम मत कीजिए मिश्रा जी। ये बात ये कैसे जान गया? नमस्ते गोपी जान, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, काम अधूरा छोड़ के मत उठ, बैठ जा। क्या चाहिए आपको? बताता हूँ, इसलिए तो आया हूँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मुझे सत्या बिहारी कहते हैं, शहर में मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, ये मैं नहीं कहता अखबार वाले कहते हैं, तुम्हारे पति ने नहीं बताया। चुप। तेरी बेटी है क्यों रे गोपी चंद? घर में इतनी बड़ी लड़की रख के बड़े आदमी की तरह पेश क्यों नहीं आता? 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए टेंडर दिया था, बड़ा टाउनशिप कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन तूने कैंसिल कर दिया, क्यों? एक ही कोटेशन आया था इसलिए दोबारा ऐड दिया है। अरे गोपी चंद, जितनी बार भी देगा एक ही कोटेशन आएगा, क्योंकि शहर में सत्या भाई सिर्फ एक ही है। नया आया शायद नहीं जानता है ना। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? चुप कुत्ता साला। देखिए हमारे कुछ रूल्स है, किसी एक के लिए वो बदल नहीं सकते। अरे बाहर में गए रूल्स, रूल्स जितने कीमती होते हैं बच्चे भी उतने कीमती होते हैं। उन्हें सड़क पर मत ला बहन जी, अपने आदमी को समझाओ। घबराओ मत, मारो नहीं, चेतावनी दी है, अगली बार चेतावनी नहीं मार दूंगा। बर्दाश्त की बेखत होती है, बेचारा है सोचा जाने दो तो मेरी शराफत को ही कमजोरी समझ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं उसे। कहाँ है वो? आंख मारता है साला, समझ ले आज तो फिनिश। अबे ओ, मेरे कपड़ों को कुतर के रख दिया फिर भी सोचा जाने दो छोड़ दिया। अरे मेरे चिकन फ्राई को खा गया तो बेचारा भूखा है सोचकर मैं चुप रहा, अब सीधा मेरी मेहनत की कमाई पर हमला करता है, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा घर के अंदर जा रहा है तो जनाब यहाँ बैठे हैं, आज तुझे काट के तेरी चटनी बना के तुझे। अरे 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 मेरे बाप, देखो उसको कुछ मत करना, वो मेरी दारू की बोतल है, प्लीज देखो उसके बगल में वो खाना रखा है, मतलब प्याज रखा है, उसे खा जाओ। चाकू चाकू इसे फेंक दिया, फेंक दिया। हम दोनों समझौता करते हैं, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तू मेरी बॉटल को कुछ नहीं करेगा, ओके प्लीज। अरे अरे समझ गए समझ गए समझ गए, थैंक्स। चोले को तो मत पपंग भग भग भग। अरे अरे मेरी मेरी बॉटल गिर जाएगी। विश्वासघाती, पीने के बाद तेरी खबर लेता। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा, आजा जा, प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार। बेटा बेटा सिद्धू, अरे तू कब आया बेटा? अभी अभी आया हूँ पिताजी। अच्छा अभी आया, मैंने तो देखा ही नहीं। क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ वहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा, वहाँ कुछ नहीं है। अरे मेरी बात मान, मेरा यकीन कर। हट जाइए। अच्छा बेटा हटिए। पकड़ा गया। ये क्या है? दवा। दवा है या दारू? दवाई है, मेरे दांत में दर्द है ना, डॉक्टर ने इसे पीकर गड़बड़ गड़बड़ करके थूकने को कहा है, वही तो कर रहा था। सच कह रहा हूँ। झूठ क्यों बोलते हैं, दिन में भी पीने लग गए हैं, है ना? तेरी माँ की याद आ गई थी। चीचे,
छे नहीं रे, वो काले बादलों के बीच खड़ी है सुनिए जी आइए कहकर हाथ फैलाकर पुकार रही है। हाँ, मतलब आजकल आपको दिन में भी उनकी याद आने लगी। अरे प्यार में दिन क्या और रात क्या, सुन के खुशी हुई आपकी प्रेम कहानी। जब चाह खूब पीना, जिनके साथ चाह उनके साथ मारपीट करना, कब बंद करेंगे सब? मारपीट? किसने कहा मैंने मारपीट की? कल आपने क्या किया था ये तो बोलिए। अच्छा वो अपने दामू के साले की बेटी की सगाई थी तो आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, मैं बस गया और आया तो गलत मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा था। फिर सुना है किसी को मारा आपने? तौबा, मैंने? सब झूठा है, बुलाओ किसने कहा सब देखता हूं। पिताजी मैं आपसे गोविंदा गोविंदा हाय गोविंदा, हैव यू सीन दिस? तुमने गुंडों की पिटाई की थी ना, वो पेपर में आ गया, हमारा फोटो भी छपा है। लुक, गले में मोच आई है, एक जाम मार ले ठीक हो जाएगा। ठहरो, क्या कह रहे थे? जाम, आजकल किसान जाम बहुत सस्ता हो गया है। ये पेपर लाओ इधर। ये लो। अब जाओ। मैं चलता हूँ। गोविंदा। हे, इशारेबाजी बंद करो। बेशरम कहीं के। अब जाओ। लॉन्ग टाइम पे आ गया। रुक जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मैं जानता हूँ, पहले इसके बारे में बताइए। न्यूज़पेपर और क्या? ये न्यूसेंस क्या है ये बताइए। अरे मेरा फोटो है, सुपर हिट। आपके बारे में न्यूज़पेपर में छप गया, शर्म नहीं आती? बोलते क्यों? तुम जलते हो, रोज तुम टीवी पर दिखते हो, एक दिन मैं पेपर में आया तो क्या बुराई है उसमें? आप ये क्या कह रहे हो? होकर पिता की तरक्की पर जलते हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस तरह भी तरक्की होती मैं नहीं जानता था। जानना चाहिए बेटा, अत्याचार का सामना तुम टीवी पर टाई बांधकर बातों से करते हो, वही काम मैं लुंगी पहनकर हाथों से करता हूँ, दोनों एक ही तो है। बस सुबह उठते ही घर में चूहों से लड़ाई, बाहर गुंडों से, इन दंगे फसादों का अंत कब होगा? अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है। आप इस तरह बेतुकी बातें करते रहेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बेटा सुन सुन सुन, ऐसी बात मत कर, सह नहीं सकूंगा मैं तो, मर जाऊंगा। कुछ भी हो मैं तो तेरा बाप हूँ ना। बाप फिलहाल आप नहीं मैं हो गया हूँ। ठीक है तू भी बन जाओ। अरे बन जाओ, कोई बात नहीं है। छे छे, आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव कीजिए तो ठीक है, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे सुनना सुनना, रो क्यों रहा गुरु, डुप्लीकेट दारू है। अरे छोड़ यार, दारू अच्छी नहीं है। चेंज द ब्रांड। वो भी नहीं, कैसा है? और इतनी बड़ी बात सुना गया? कौन गुरु? मेरा बेटा। क्या कहा उसने? कहता है मुझसे बात नहीं करेगा। अरे वो बच्चा है, दो चाटा मार के तुमसे बात करने के लिए मैं कहूंगा ना। अरे गुरु, अरे मैं अपने बेटे को नहीं मार सकता, ये साले कहता ये मारेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ गुरु, बैठ जाओ। अरे चुप बैठ। अरे गुरु ये ना समझे, छोड़ो भी। अबे क्या बच्चा है, उसकी बात मैं मानूंगा या मेरी बात वो मानेगा? देख नहीं क्या बाबा कर रहा है। उसे मैंने कैसे पाला पोसा, रूपा देवी। ये कौन सी देवी है गुरु, कोई देवी माँ है? अबे नहीं नहीं नहीं, बेचारा मर जाएगा। रूपा देवी कोई देवी माँ नहीं है, हमारे घर की देवी। हमारी नहीं बे, मेरे घर की देवी, मेरी बीवी। छोटी सी उम्र में हम दोनों की शादी हुई थी, दोनों ने मिलकर एक साल भी जिंदगी नहीं बिताई, इतने से बच्चे को हाथ में देकर वो चली गई, धरती में समा गई। यहाँ नहीं, गांव में। अरे चुप कर। इसे कैसे पाला पोसा जानते हो? हाँ, छाती में लिटा के सुलाया है। अच्छा? अरे तुम लोग नहीं जानते। हाँ, बोलो। मैं उसकी ये भी धोया करता था। अरे पुराने जमाने में कभी धो दिया होगा, अभी हाल ही में कभी नहीं धोया ना। अच्छा आखिर झगड़ा हुआ क्यों? इस कुत्ते के बच्चे ने न्यूज़पेपर लाकर मेरी फोटो की नुमाइश कर दी, आज इसे तो मैं निकालकर इसके हाथ में कर दूंगा। Mr. Govinda, during the span of my life, I never listened to this much length of... एक तो फसाया, ऊपर से अंग्रेजी झाड़ रहा है। अरे लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट में पढ़ा है ना? कॉलीफ्लावर कॉन्वेंट का होगा। अरे बाप रे, घर पे छोटे को अकेले छोड़कर आया हूँ, कहीं वो डर ना जाए। मैं चलता हूँ। गुरु कहाँ है? बेटा सिद्धू, ए सिद्धू, इतनी जल्दी सो गया तू? उठ ना बेटा, देख जैसी तुझे पसंद है ना वैसी चिकन बिरयानी लेकर आया हूँ, थोड़ी खा के सो जा। क्या हुआ, रुट गया? देख बेटा इस तरह भूखे पेट सोना ठीक नहीं होता, खा ले बेटा, मेरा बेटा है ना। मुझे नहीं खाना, आप खा लीजिए। ये क्या, मैंने तेरे खाए बिना कभी खाया है? मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे लिए आप खाना छोड़ेंगे लेकिन दारू पीना नहीं छोड़ेंगे। आप बोलते क्यों नहीं? बात ये, तेरी माँ याद आ गई, फुल हो गया। मालूम है माँ की याद आ गई थी आपको, जब भी पीने की बात आती है माँ को बीच में घसीट लाते हैं, कमाल है आपका। अरे ऐसा मत कहना, यही लास्ट और फाइनल है, तुम कल से देख लेना। मैं सचमुच पीना छोड़ देंगे? अरे अब मैं कुछ भी बोलूंगा तू तो यही समझेगा कि मैं नशे में हूं। तू कल से देख लेना, तू घबरा जाएगा, चौंक जाएगा। जरूर देख लेना बेटा,
अब मेरा बबुआ है ना, बस एक निवाला खा ले बेटा। आ, 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 आ। आ जाओ मेरा लाडला, अब भी खाइए, खा ले बेटा। आ, ये एक पीस खा ले, बस ये एक पीस, बस एक और निवाला, मेरा अच्छा बेटा है ना, बस एक निवाला और खा ले बेटा। आ। सिद्धू, अगर तुझे डर लग रहा है तो मेरे पास आके सो जा बेटा, आजा, 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 आजा बेटा, घबरा मत, मैं हूं ना तेरे पास, तुझे कुछ नहीं होगा। आपका पसंदीदा प्रोग्राम फेस टू फेस विद सिद्धार्थ में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में रिपोर्टर सिद्धार्थ राज ऐसे हस्तियों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपने लिए अलग स्थान बनाया हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री सत्या बिहारी, जिनका नाम अनेक स्कैंडल और कंट्रोवर्सी में जुड़ा हुआ है। वेलकम टू फेस टू फेस, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है, नमस्कार। देखो भाई टीवी में आ रहे हैं। पहले आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, आपको किस तरह का खाना पसंद है? सुबह नाश्ते में आलू का पराठा और दही, दोपहर में रोटी और कोई सब्जी, रात को थोड़ा सा दाल भात और एक ग्लास दूध। बहुत ही सिंपल। और आपका फेवरेट कलर? सफेद। मगर आप तो काला पहने हैं। जो पसंद हो वही पहनना, ऐसा कोई रूल है? नहीं नहीं। लेकिन सफेद तो शांति का प्रतीक है, यानी इसका मतलब आप शांत स्वभाव के हैं। बिल्कुल। ये तो आपके चेहरे से ही पता चलता है। तो फिर इतने शांत स्वभाव के बावजूद आप पर 12 एक्सटॉर्शन, 9 किडनैपिंग, 6 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, 4 मर्डर, 52 जमीनों के केसेस क्यों दर्ज हैं? इतना सब जानते हो पर उनमें से एक भी केस आज तक अदालत में नहीं टिका, ये नहीं जानते? जानता हूं, लेकिन आप जैसे शांत स्वभाव वाले आदमी पर इतने सब केसेस दर्ज कैसे हुए? ये जिसने लगाए उससे पूछो, मुझसे नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आपका प्रोफेशन क्या है? ठेकेदारी। आप आरएनबी इंजीनियर गोपीचंद को जानते हैं? नहीं, कभी नाम तक नहीं सुना। कभी आपने उसके घर जाकर उसको यह धमकी दी है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिले? जिसका नाम तक नहीं जानता उसके पास जाऊंगा कैसे? ऐसा है तो ये क्लिपिंग्स देखिए। यह है गोपीचंद जी और वो था उनका घर। उनके घर पर आप ही थे ना? तुमने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है,
ये इंटरोगेट करने के लिए बुलाया है। तुम्हारे इन बेटियों के सवालों का जवाब देने की जरूरत मुझे नहीं है। हे, कैमरा बंद कर, बंद कर। आज से हम लोग यहाँ पर नया काम शुरू करने वाले हैं। पता नहीं किसी टाउनशिप के नाम पर बहुत सारे फ्लैट्स बनने वाले हैं। 6-7 महीने तक हमें और हमारे परिवार को सहारा देने वाला ये काम अच्छी तरह से पूरा हो जाए और देवता समान जो ठेकेदार है उसका भला हो जाए, ऐसी हम दिल से प्रार्थना करते हैं। ओके वकील साहब, कहाँ है आपका कॉन्ट्रैक्ट? बोलते के बोलते ही आगे क्या? जब मैंने सुना कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है तो मैंने सोचा कोई बड़ा आदमी आ रहा होगा। तुम यहाँ कैसे? मैं ही कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अरे छोड़ो ना, मजाक कर रहे हो। तुम कब से कॉन्ट्रैक्टर बन गए? I am the contractor, कह रहा हूँ ना, it's a fact। अरे बाप रे, सचमुच? या मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मतलब मुझे पहचाना तुमने? गोविंद राज। अरे रामपुर वाला गोविंद राज यार। नहीं। अरे वही, जब तुम दूध वाले किशनचंद की बहन से छेड़छाड़ करने पर फिट रहे थे तो मैंने ही तो तुम्हें बचाया था, है ना? क्या हुआ? याद नहीं? अरे जब तू दिनेश की साइकिल चुरा के भागा और उसने तुझे पत्थर से मारा तो तेरे सर पे चोट आई थी, तब मैंने तो तुझे अस्पताल ले जाकर टाके लगवाए थे। याद आया, याद आया। नारियल सब तैयार है ना? चलो फोड़ दो। अरे नारियल बाद में फोड़ लेंगे, चलो पहले अपने लोगों से मिलते लो। नया कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा सोच रहे थे ना? और कोई नहीं, अपना दोस्त है वीरू भाई, वीरेंद्र सिंह। अरे छोड़ ना, दुनिया के लिए तेरे सर पे सिंह हो सकता है लेकिन अपने लिए तो वीरू भाई रहेगा। इसके बारे में तुम लोगों को बहुत कुछ बताना है। बचपन में ही इसे देख कर लगा था कि बहुत बड़ा चोर बनेगा। देखो कॉन्ट्रैक्टर बन गया, यानी ये एकदम नीचे ऊपर आए हैं। अरे कोई ऐसा वैसा नीचा नहीं भाइयों, भीख मांगने की नौबत आ गई थी। अरे गोविंदा, लेटिम टेल चाइल्ड, लेटिम टेल। बचपन से ही ये लफड़े में फंस जाता था। गांव में ऐसा कोई नहीं जिसने इसके ऊपर हाथ साफ न किया हो, तकरीबन सभी लोगों ने इसकी पिटाई की थी। गोविंदा आप तो बस करो। अरे तू चुप कर, खुद तारीफ तो करोगे नहीं, मुझे तो करने दो ना। तो बता दिया, बताने के लिए क्या है? चलो टाइम हो रहा है, नारियल फोड़ते हैं। अरे रुक 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 रुक, नारियल से याद आया, बचपन में मंदिरों में नारियल फूटने की देरी थी कि ये टुकड़े उठाने के लिए भागता था, याद आया ना? अगर मैं भूल भी गया तो बताने के लिए तू जो है। अचानक मुझे एक बात याद आ गई, राजू। अरे राजू, इस मिस्त्री के बदले दूसरा मिस्त्री नहीं मिल सकता है क्या? क्योंकि मुझे बिजनेस में फ्रेंडशिप मिलाना अच्छा नहीं लगता। बात ये है सर, इस मिस्त्री की मजदूरों के बीच बहुत होल्ड है। वैसे भी हमने सत्य बिहारी जैसे को हटा कर ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए इसके यहाँ होना बहुत जरूरी है। ये बात 100% जी। तो फिर कॉम्प्रोमाइज। गोविंदा चिल्ला क्यों? क्या बात कर रहे थे दोनों? कुछ नहीं है, इस साइड पे मैं बार बार नहीं आ सकूंगा। तुम हो ना, तुम संभालो तो बेहतर होगा। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो और तुम जाकर आराम से सो जाओ, जाओ। सिद्धू का इंटरव्यू देखा टीवी पर? हाँ देखा, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? सिद्धू इज रियली वेरी हैंडसम। इंटरव्यू में सिद्धू ने किससे क्या पूछा कुछ याद है? सच गट्सी मैन, उसके सामने तो स्ट्रेस लेके भी पसीने छूट रहे थे। तब से मैं सुन रही हूँ सिद्धू सिद्धू, इतना भी क्या ग्रेट है? अरे वो ग्रेट है इसीलिए तो ग्रेट कह रहे हैं। तुम्हारे लिए ग्रेट होगा, मेरे लिए नहीं। ए तू ऐसा मत कह, हम सब उसके फैंस हैं। एक राज की बात है, सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। तुम सब उसके फैंस हो पर वो मेरा फैन है। सिर्फ यही नहीं, उसने मुझे प्रपोज भी किया। सिद्धू ने तुम्हें प्रपोज किया? सिर्फ एक बार नहीं, 100-100 बार। ईश्वेता उसे एक बार इंट्रोड्यूस कराना प्लीज। ओके ओके ओके, जब हम फ्री होंगे तब उसे बुलाऊंगी, मिल लेना। ओके जॉन, आई विल कॉल यू लेटर। इधर देखो, फेस टू फेस वाले सिद्धू सर बैठे हैं। हाय। वाओ, क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंड? उस तरफ देखो। हेलो सर, ऑर्डर प्लीज। इंट्रोड्यूस करो प्लीज। मैं उससे बात नहीं करूंगी। मुझसे बता भी ना वो रेस्टोरेंट कैसे आ गया। आई हेट हिम, हेट हिम। एक बार माफ कर दे और इंट्रोड्यूस करा देना प्लीज। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आज पूरा दिन मैं उससे बात नहीं करूंगी। अच्छा तू इंट्रोड्यूस मत करा, हम खुद जाके इंट्रोड्यूस हो जाएंगे उससे। चल तुम सब मेरे फ्रेंड्स होके उसके पास जाओगे तो कितना चीप लगेगा। मैं खुद उसे यहाँ ले आऊंगी। थैंक यू सर। हाय स्वीट हार्ट, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह थैंक यू। मैं आपका आईटीआई प्रोग्राम कभी मिस नहीं करती। नहीं वो फेस टू फेस है। ओह सॉरी, खुशी के मारे क्या बोल रही हूँ। मैं भी टेंशन में आ गया हूँ, अगर आप हाथ छोड़ देंगे तो हम दोनों का टेंशन कम हो जाएगा। प्लीज हाथ छोड़ने के लिए मत कहना। क्यों? मुझसे एक भूल हो गई। क्या? मेरा हाथ पकड़ना।
सबसे कह दिया कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं। अरे आपने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा? प्लीज 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 इस तरह के रिएक्शंस मत दीजिए, गाली भी दीजिए मगर हंसते हुए। अच्छा आपने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा? या, या, पीछे वाली टेबल पे जो है ना वो मेरे फ्रेंड्स हैं। हाय। प्लीज सिद्धार्थ जी, मैं अपनी जान से भी ज्यादा इज्जत को इम्पोर्टेंस देती हूँ, प्लीज। तो मुझे क्या करना होगा बताइए? थोड़ी देर के लिए मेरी बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कीजिए प्लीज। नो 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 नो, इट्स इम्पॉसिबल। मतलब मेरा जीना भी इम्पॉसिबल है। अरे आपको इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतने बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो फिर आप यस कहिए ना। यस। थैंक यू। पीके साहब, आप मुझे कॉफी ऑफर कर रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मैं हमेशा अजीब काम करने की कोशिश करता हूँ, है कि नहीं? जी जी। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, संभल के रहना। अच्छी बात। एक्सक्यूज मी, दिस इज माय सीट। सॉरी, इनको मालूम नहीं। बकवास बंद, चल। हाय शीतल, आई एम रानी। रानी बैठिए ना। ओह श्योर श्योर, थैंक यू। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। ये क्या, आपको अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं मालूम? वो आप सहेलियों के बीच में निकनेम्स होते हैं ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। तो फिर इसका असली नाम बताइए। आप असली नाम पूछ रहे हैं, इट्स टू मच यार, यू नो। नाम जाने बिना हम दोनों थोड़ी ना प्यार करते हैं, तुम ही बोलो ना स्वीटी। तो ये हमारी श्वेता को स्वीटी बुलाते हैं। फंसना नहीं चाहता था, फिर भी फंस गया। श्वेता, इट्स टू मच। ये बताओ, पहली बार तुम लोग कहाँ मिले थे? बस अभी अभी यहाँ। नहीं नहीं, हम जब भी मिलते हैं तो अभी अभी पहली बार मिले ऐसा लगता है। एक्सक्यूज मी साहब, कॉफी ले आना। ठीक है साहब, सी यू। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के होते हुए बिल हम लोग भरेंगे, अच्छा लगेगा। यू राइट सिद्धू, कम ऑन। क्या है? पे द बिल। मैं दूं? टेबल नंबर 11। ठीक है सर। Bye. Bye, dear. Come on, girls. Let's move. बैठ जा। अरे अरे, ठीक है बिछड़ा, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे कोलीग होते हुए आप मेरा पैर मत छुइए, ये मत करिए। कितने मतलब होते हैं? और नहीं तो क्या, आशीर्वाद भी दे दो। अरे मजाक मत करिए, उठिए उठिए, चलिए उठिए। चोट तो नहीं लगी? एक्सक्यूज मी, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। नो रिजर्वेशन। ये चेयर मेरी है, टेबल मेरा है, और बिल? बिल भी मेरा है। कॉफी सर? ओके। बिल सर? ओह सो फास्ट। थैंक यू सर। कह देना बिल भी मेरा है। ओके, हैव अ नाइस डे। कोई जरूरत नहीं। 5,655। फेस टू फेस इंटरव्यू की वजह से सरकार ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है, मतलब अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने के हम लायक नहीं है। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हम ही को मिलेगा इस भरोसे, मेरे मना करने के बावजूद आपने मटेरियल्स पहले से खरीद के रख लिया। हमें फाइनेंस करने वाले बैंकर्स और बाहर के फाइनेंसियर्स अब बहुत प्रेशर दे रहे हैं। हमारी इन मुश्किलों का कारण है वो गोपीचंद, टीवी चैनल के साथ मिलकर उसने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। उसकी मौत तो पहले से ही तय है, पर अभी उड़ा देंगे तो बहुत बड़ा झमेला खड़ा हो जाएगा। लोगों को ये बात भूलने दो, फिर उसे उड़ा देंगे। इस बीच हमारी जगह जिन्हें भी ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो पूरा नहीं कर सकेंगे, ये उन्हें एहसास दिलाना होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट सत्या बिहारी को नहीं मिला वो काम और कोई नहीं कर सकता। हमारे मना करने के बावजूद अगर कोई मजदूर काम पे आया तो उसे जान से मार देंगे। अरे ये क्या, तुम लोग काम छोड़ के यहाँ क्यों बैठे हो? सत्य बिहारी के आदमी ने हमें आके मारा गोविंदा भाई। ओए साधु। साधु भाई नहीं है, क्या बात है? तुम सबने जाकर हमारे आदमियों को काम करने से रोका है, वो काम छोड़कर बैठे हैं, उन सबको पैसा कौन देगा बे? तेरे इंतजार में हम भी काम छोड़कर बैठे हैं। अबे चल, मुझे पैसा देने के लिए तुम लोग काम छोड़ के क्यों बैठे हो? मुझे पैसा दे दो और तुम लोग काम पे जाओ। पैसा चाहिए तुझे? ये ले। देखो देखो देखो। अरे देखा,
नहीं छोड़ेगा? नहीं, मेरी सेट है। तो गुंडा समझता है हाँ? चल चल पर्स निकाल, पर्स निकाल। टच नहीं मिला। ए, खोल के देख। बंद कर दे। कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो जाके उससे लड़ो, लेकिन उसके लिए मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब मजदूरों को मारा तो तुम लोगों को छठी का दूध याद दिला दूंगा। अपने बड़े भाई से बोल देना। छाप गोविंदा, 3000 कम है तो ये पहले बोलना था ना। ए! काम हो जाएगा? हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट संडे हमारे कॉलेज का सिल्वर जुबली फंक्शन बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। ओके सर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फंक्शन में अगर सिद्धार्थ राज को चीफ गेस्ट बनाएंगे तो उनके चैनल का कवरेज होगा और हमारे कॉलेज को पब्लिसिटी मिलेगी। व्हाट डू यू से? करेक्ट सर। करेक्ट कहने से काम नहीं चलेगा, उन्हें तुम ही को लाना होगा। हेलो, कॉल मी आफ्टर 5 मिनट। या ये आपने क्या किया? वो मैंने कौन समझ के मैं अंदर। ये नहीं तो आपकी वजह से मैं प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मेरी वजह से? हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आप मेरे बॉयफ्रेंड है कहने की वजह से मैं प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ। अरे आपके कहने की वजह से तो मैंने कहा। जी हाँ, मैंने कहा तो भी आपने सोचे समझे मिला कैसे बोल दिया? आपने मेरे फ्रेंड से बोल दिया, उन सबने अपने फ्रेंड से बोल दिया, अब ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई। किशोर, केबिन के अंदर क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? पता नहीं चल रहा है, ग्लास केबिन है ना। वो सिद्धार्थ अपनी पॉपुलैरिटी को मिसयूज करके उस लड़की को फांस लिया है। फांसने के बाद क्या होता है ये जानते हो ना? नहीं जानता बॉस। लड़की पे गौर करो क्या बोल रही है। तुम पे भरोसा करके अपना सब कुछ दे दिया तो अब तुम उसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? सिद्धार्थ, तुमने मुझे देकर सब कुछ नहीं दिया, मेरी पॉपुलैरिटी को देकर दिया है। वैसे तुम जैसी कितनी ही लड़कियां आती हैं, तुम ही फर्स्ट टाइम नहीं हो। अब वो लड़की मेरे कोख में जो बच्चा पल रहा है, आखिर मैं उसकी माँ क्यों बनूं? देख लिया। हाँ बॉस, तुम उसे पाप समझती होगी लेकिन मैं कहूँगा पब्लिसिटी है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। दैट्स इट, कहीं जाके मर जाओ। कमाल है बस। क्या हुआ? आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिप रीडिंग है यार, तारीफ बाद में करना। अच्छा, वैसे मुझे पसंद नहीं है, फिर भी आपकी खातिर मैं आऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वैसे ये सिलसिला इसके साथ ही खत्म हो जाएगा ना? वो सब आपके हाथों में है। ओके, बाय बाय, सी यू। एक्सक्यूज मी, चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम अबॉर्शन मत करवाना। व्हाट? तुम्हारे लिए मैं हूं ना। इडियट। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस फंक्शन में क्यों आया हूँ ये आप सब जानते हैं। नो 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 नो, मैं आप सबसे मिलने के इरादे से आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं? खुलेआम ऐसे कहेंगे ना? डियर फ्रेंड्स, फैशन इज अ पैशन, यूज इट टू प्रमोट आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, मेक आवर पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपके और हमारे श्वेता के बीच में क्या रिश्ता है? रिश्ता? सॉरी, इट्स पर्सनल। ये एडिट करके साउंड पोस्ट कीजिए। अच्छा, ओके ओके सर। आप यहाँ कैसे? आपको ये शोभा देता है क्या? मैं आपकी पर्सनल हूँ। पर्सनल क्या? आपने मुझे अपना पर्सनल कहा ना? सरा धीरे बोली, सब लोग सुन रहे हैं। कॉलेज में सबके सामने लाउड स्पीकर में जोर जोर से बोल दिया, मेरा बोलना गलत है। ओके ओके, चलिए हम केबिन में बैठ के बात करते हैं। ओके गाइस, प्लीज कैरी ऑन। चलिए चलिए। ओके, अब तू फंस गया बेटा, प्लीज बैठिए। श्वेता जी, आप कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहेंगी? खातिरदारी सब बाद में, पहले फैसला कीजिए। कौन सा फैसला? किसे? आपसे कह रहा हूँ। मुझसे? हाँ, जाइए। अबे जाता ही नहीं। श्वेता जी, उस दिन मैंने जो पर्सनल कहा उससे मेरा मतलब ये था कि हम दोनों के बीच में जो लिंक है, सॉरी परिचय। ओके ओके, वो सब छोड़िए। कॉलेज फंक्शन में शादी के बारे में पूछा तो नो कमेंट्स क्यों कह दिए? मतलब मैंने सोचा कि यस कहूंगा तो क्या होगा, नो कहूंगा तो क्या होगा, इसलिए कश्मकश में नो कमेंट्स मुंह से निकल गया। इस हाना के चक्कर में मैं ना घर की रही ना घाट की। आ, आ,
रियान। कमाल है। श्वेता प्लीज आप रोइए मत। हेलो देखिए हम दोनों के बीच जब से परिचय हुआ तब से अभी तक आपने मुझसे और मैंने आपसे क्या कहा वो एक बार फिर से दोहराते हैं। उस दिन रेस्टोरेंट में जितनी बार भी रिवाइंड करके प्ले कीजिए बात बिल्कुल नहीं बदलेगी। आपकी तरफ से गलती हो गई है। ठीक है मुझसे गलती हो गई है। आई एम वेरी सॉरी। आज के बाद आप अलग मैं अलग हमारे बीच कुछ नहीं है। आप जा सकती हैं प्लीज। सिद्धू पीके मिश्रा फिर पीके गिरे। कैसेट कौन सा कैसेट? कोई भी कैसेट जाके ले लो। Have a nice time. Nice time. हाँ ठीक है। Have a nice time. आ जाओ। Nice time. अब जाता किधर? Please. दरवाजा क्यों बंद किया आपने? फैसला क्या है जाने तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। फैसला? कैसा फैसला? प्यार का फैसला। प्यार का फैसला लेकिन मैं खूबसूरत नहीं। खूबसूरत हो लेकिन पढ़ी लिखी नहीं। पढ़ी लिखी भी हो लेकिन पर्सनैलिटी भी है। तुम और क्या चाहते हो? और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर यस क्यों नहीं कहते? यस याने यस यस क्या है नहीं जानते। वाई ई श्वेता एस यस यस Oh,
करो। कर दे दो, आप रिपोर्ट लिखिए। क्या बताऊं बाबा, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। दिन ब दिन इनकी हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। इनकी पहरेदारी करते हुए मैं तो तंग आ गया। दुखी होने के बजाय उसकी पहरेदारी के लिए किसी और को क्यों नहीं रखते? मतलब किसी गोरखा को इनके पीछे लगाना पड़ेगा? हां ये बात नहीं, अपने पिता के साथ कोई औरत हो तो देखभाल के साथ साथ पहरेदारी भी हो जाएगी। गोविंदराज साहब जरा साउंड कम कीजिए। पिताजी क्या उपमा तैयार है? अब आगे से आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, किसी बावर्ची को देखा है क्या? किसी घरवाली को देखने का इरादा है। घरवाली? हाँ समझ गया भाई। अरे बेटा घरवाली की बात कर रहे हो, कब देखा उसे, कहाँ देखा जी? उसे घर कब ला रहे हो? जब भी आप हाँ कहेंगे फौरन घर ले आएंगे। ठीक है, कब चलें? आप तैयार हैं तो फौरन चलते हैं। अरे मुझे क्या तैयारी करनी, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप जरा अपनी धुलिया थोड़ी। अरे समझ गया, थोड़ा सा डेंटिंग और पेंटिंग करना है ना, तो यहीं रुक, अभी दिखाता हूँ। आपको फोन करने वाला था चाचा जी, आप खुद ही आ गए। देखा, इसने अपना इंतजाम खुद ही कर लिया। उस जमाने में रूपा देवी के गले में मंगलसूत्र पहनाने तक उसका चेहरा कैसा था मैं नहीं जानता था। वो जमाना ही कुछ अलग था। बिल्कुल, सारा जमाना बदल गया सिवाय तुम्हारे। अरे मौका लगने के साथ ही मेरी खिंचाई में लग जाते हो, बुढ़ा होने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी सट गया। तुम्हारी हरकत बस करो, तुम देखते क्या हो, जाकर गाड़ी निकालो, हम आते हैं, जल्दी आइएगा। आते हैं चाचा जी। अब हाथ रख लो। देखिए लड़की देखने के शुभ अवसर पर हम लोग सिर्फ मर्द ही जा रहे हैं, अगर कोई औरत भी साथ होती तो अच्छा होता ना। अच्छा तो होता, लेकिन औरत कहाँ है? वो अपनी जानकी है, जैसा कहेंगे वैसा करेगी। बुलाऊं? चिट वाली जानकी? हाँ भाई, उसे भी साथ ले लें। जूते पड़ेंगे। नहीं चाहिए तो छोड़ो, चलो चलो। हाँ तो ले लीजिए। ये तो कभी भी खा सकते हैं, फिलहाल रखिए, बाद में खाएंगे। आप भी ले लीजिए। डाइटिंग? हाँ हाँ दिख रहा है। मोतीलाल जी, हमारे गोविंदा के बारे में आप नहीं जानते, इसके बारे में बोलने लगूं तो एक दिन काफी नहीं है। चाचा जी एक शब्द उसका वर्णन कर सकते हैं, हीरा है। मेरे बारे में क्यों, बेटे के बारे में बात कीजिए। उनके बारे में जानकर हम क्या करेंगे, हमें तो आपके बारे में सुनना है। नजर से देख रहा है। श्रीमान जी, आप बस्ती वालों के लिए कुश्ती भी करते हैं, अखबार में पढ़ा था। उन सब बातों के बारे में क्या बात करना, असली मुद्दे पर आते हैं ना। मेरा बेटा बहुत मेहनत से ऊपर आया है, बड़ा अकलमंद है, एक भी बुरी आदत नहीं है। उनके बारे में जानकर हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो आप ही कीमती हैं। बताइए वैसे आप काम क्या करते हैं? आपको मुझमें इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही हो गया है। हम दोनों आपस में कभी फुर्सत में बात कर लेंगे, मुहूर्त निकल जाएगा, लड़की को बुलाइए। जरूर। अरे सुनो, बेटी को ले आओ। बड़ी सुंदर है, क्यों चाचा? करेक्ट, तुम्हें पसंद है ना, बस वही काफी है। पिताजी आपके लिए ओके है ना? अरे मेरे ओके करने से क्या है, तुझे पसंद आनी चाहिए, तू देख। अरे देखने वालों को क्या है गोविंद जी, करने वाले को पसंद आनी चाहिए। मोतीलाल जी आप समझ नहीं रहे हैं, मैं पिता हूँ, ये मेरा बेटा है। अरे आई नो इट। आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं सर, मैं पिता हूँ और ये जो है ना ये मेरा बेटा, ये दूल्हा है। हाँ वो नहीं, आप हैं। अबे ये तो गोविंदा, आप ही समझाइए ना। आप समझाना क्या है, दूल्हे तो तुम ही हो ना। लगता है दामाद जी का गला तो एकदम सॉलिड है, आवाज में दम है। बहुत खुश है ना इसलिए, क्यों पिताजी सही कहा ना। खुशी के मारे ही मुझे झटका देता है।
तू बेटा होके ये खेल खेलेगा तो मैं तेरा बाप हूँ। कुछ नहीं, थोड़ा मजाक के लिए झटका खा गया मैं। मैं एक बार लड़की से बात करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं, लड़की तुम्हें पसंद है ना, बाकी की बातें मैं कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे बात करनी है। गोविंदा साहब जी, हमें इसमें कोई एहसास नहीं है। ऐसी सिचुएशन आएगी जानकारी, हमने कमरे में बिस्तर की थी, कुर्सियों का इंतजाम किया, आप जाइए। पंद्रह मिनट हो गया। एक दूसरे को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। हाँ वही, टाइम तो लगता ही है। बाबा क्या बात है, पिताजी अभी तक नहीं आए? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। और मैं भी। आधा घंटा हो गया है, कुछ भी हो लड़की का बाप होना, मुझे भी थोड़ा थोड़ा टेंशन हो रहा है। गड़बड़ तो नहीं होगा ना? फैन काम नहीं कर रहा था ना, पसीना पसीना हो गया। कम ऑन यार। अरे ये सब क्या है पिताजी, ये क्या किया? शादी हो गई, दिखता नहीं। अरे बाप रे, जान से मार दोगी क्या? जो है कुपर हथनी की तरह गिर पड़ी, यहाँ बैठो। अरे ये सब क्या है, अंदर दो गए थे अब तीन बाहर आ गए हैं, वो कौन है, वो कहाँ से आ टपका? पीछे के दरवाजे से। क्यों जी, क्या हुआ जी? अरे मैं भी वही पूछ रहा हूँ। अरे कुछ तो बोलना। इनका नाम बिरजू है पापा। हाँ? यहाँ नुक्कड़ पे इनकी एसटीडी की दुकान है। हाँ? हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए पापा। क्यों जी, क्या हुआ जी? अरे चुप ना, बदतमीज़ लड़की, तेरे लिए बढ़िया से रिश्ता आया है और तूने एसटीडी वाले घोंचू का हाथ थाम लिया। तुझे तो बस करो बड़े आए धमकाने वाले, प्यार करने वाले एक पति से बढ़कर लड़की के लिए कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। अरे अपनी बेटी से प्यार करने वाले के इसी गली में रहते हुए सारे शहर में दूल्हा क्यों ढूंढते हो? क्यों जी, क्या हुआ जी? रुकिए बहन जी, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, आप सो जाइए। इसलिए जो आपको करना चाहिए वो मैंने कर दिया, इन दोनों को आशीर्वाद देके आप काम निपटा दो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक भी लफ्ज आगे निकाला तो जंक्शन जाम हो जाएगा। गोविंद राज, तुमने हद की भी हद कर दी। लड़की से एक बार बात करनी है बोल के अंदर ले गया और उसकी शादी करा के बाहर ले आया। क्यों नहीं करेंगे, स्त्री उद्धार का ठेका जो ले रखा है इन्होंने, पद्मश्री पाना चाहते हैं। अरे वाह, मैं चुप हूँ इसलिए जो मुंह में आया बोलते चले जा रहे हो, मजाक लग रहा है तुमको? तुम्हारे लिए लड़की देखना है कह के ले जाते हो और मेरे ही गले में लड़की को बांधते हो? हाँ, जैसे सच बोलने से आप मान जाते। अरे उसे पता चल गया तो कितनी दुखी हो जाएगी वो वाली जानकी। मेरी रूपा देवी, कहाँ हो तुम, कहाँ हो रूपा, तुम कहाँ हो? देखा तुमने, तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारी सौतन लाने की सोच रहा है। एक बेटा होने के नाते ये तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन एक पति होकर मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। गोविंद राज साहब, ओवर एक्टिंग हो रही है, माँ की शक्ल भी याद है आपको? अरे इसीलिए तो फोटो बनवाया है। हाँ बहुत खुशी की बात है। देखिए आप शादी के लिए राजी हो तो ठीक है, वरना मैं घर से निकल जाऊंगा। अरे सुन सुन, देख कभी ऐसी बातें मत करना। हाँ तो मान जाइए ना। मान जाओ ना गोविंदा। यानी पिताजी ने मंजूरी दे दी? मेरी पत्नी के गुजरने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी बेटी पर है। विद्या निकेतन में हिंदी पढ़ा रही है। अपने तीनों बहनों की शादी होने के बाद ही ये शादी करेगी कह रही थी। दो लड़कियों की शादी हो चुकी है, तीसरी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, इस बीच रिश्ता है। ये सब कहने की क्या जरूरत है, आपके बारे में सब जानते हैं इसलिए तो आए हैं। क्यों, खाने से रिश्ता थोड़ी जुड़ता है? इसीलिए तो खा रहा हूँ। इसकी बात ही निराली है। गंगाधर जी, लड़की को बुलाइए। बेटी शिवानी, दीदी को लेकर आ। क्यों पसंद है? पसंद है लेकिन थोड़ा घी ज्यादा है। अब अरे लड्डू नहीं, लड़की पसंद है या नहीं बोलो। वो तो अंदर जाके बात करने के बाद ही बता सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, हमारे सामने ही बात कीजिए। बिल्कुल नहीं, अंदर जाके बात करूंगा। वो बात करना चाहते हैं, बात करने दीजिए ना। आप नहीं जानते हैं गंगाधर जी, सुनो जो भी बात करनी है यही करो। बिल्कुल नहीं, मैं अंदर जाके बात करूंगा। मुझे भी बात करनी है। क्यों बेटी, कमरे में आने जाने के लिए कोई दूसरा दरवाजा तो नहीं है ना? जी नहीं, सेफ है। सेफ मतलब क्या है? इससे वास्तु में बहुत विश्वास है। ये रखे। बताया था ना इसकी आदतें निराली हैं। आ जाओ। कोई चिंता नहीं। पॉइंट की बात करता हूँ, तुम किसी से प्यार करती हो? नहीं जी। या फिर कोई तुम्हें प्यार करता है? खैर छोड़ो,
भविष्य में तुम्हें अगर किसी से प्यार हो गया तो मुझे बता देना, मैं तुम दोनों को मिला दूंगा। आओ बैठो। रहने दीजिए। अरे आओ शर्मा मत, बैठो बैठो। आओ ये बताओ तुम मेरे बारे में जानती हो? उन लोगों ने कुछ बताया। अरे वो लोग क्या बताएंगे, वो कुछ भी नहीं जानते। मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं पक्का कचरा हूँ, लेबरर्स का मिस्त्री, धूल मिट्टी रेत ईंटों के साथ काम करता हूँ। कोई भी बात हो एक मार दो टुकड़े, उलट पुलट कर देता हूँ। क्यों विश्वास नहीं? रामपुरी घबरा गई ना? ATM, एनी टाइम मर्डर, ऐसी कोई आदत नहीं जो मुझमें ना हो। पान बीड़ी सिगरेट सिगार विस्की डिस्की मटका गुटका, इन सब के बिना मैं नहीं रह सकता, जानती हो? क्यों विश्वास नहीं होता? ये भी ATM है, एनी टाइम मस्ती। तुम बच्चों को पढ़ाने वाली मास्टरनी हो, मैं फुल टाइम नशे में रहने वाला आवारा पागल हूँ। इतना सब कुछ जानकर कौन सी शरीफ लड़की मुझसे शादी करना पसंद करेगी? तुम अगर जिंदगी में सुकून से रहना चाहती हो तो मुझ जैसों से दूर रहो। अरे बैठो बैठो। देखो लड़की, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, कोई गलत फैसला मत करना। ऐसी बात नहीं है, मैं... तुम क्या कहना चाहती हो मैं समझ गया हूँ, ये सब बातें उनके सामने कहो। ओके कम ऑन। क्यों भाई कैसी रही? सुपर। एक्सक्यूज मी, अगर वो लड़की हाँ कहती है तो अभी यहीं पर ही मैं शादी कर लूंगा, पर अब उसकी मर्जी भी तो पूछ लीजिए। क्यों बेटी? मुझे पसंद है। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बात नहीं, ये तो खुशी का असर है। संभल कर। मेरी पूरी की पूरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई यारो। वो ग्लास उतार के ये ग्लास चढ़ाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा। थैंक्स मेरे शुभचिंतक। गोविंदा, घर सजाने से त्यौहार नहीं होता। लेकिन मंगलसूत्र पहनाने से शादी तो हो जाएगी ना? पहनाने के लिए मंगलसूत्र नहीं होगा, मंत्र पढ़ने के लिए पंडित भी नहीं होगा। आइए पंडित जी आइए, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए सैकड़ों इंतजार करते हैं, तो तेरे इंतजार करने से क्या फर्क पड़ता है घोचू? इस तरह की बात कर रहे हैं? वन मिनट, वो बंद कर, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, फोन पर बात कर रहा हूँ, ब्लूटूथ दिखा नहीं दे रहा। मैं केवल मोरो से 15 मिनट पहले ही आता हूँ, केवल मांगलिक तंत्रणा इतना ही मैं पढ़ता हूँ, बाकी मेरा असिस्टेंट देख लेगा। तो सब कुछ तैयार है ना? फोन में बात कर रहे हैं। हमने पूछा तो सब कुछ तैयार है ना? इतने धोखे जवाब क्यों नहीं देते? कठो सोचा आप फोन पे उसी बेवकूफ से बात कर रहे हैं। सब कुछ तुम ही सोचोगे तो मेरी क्या आवश्यकता है, मंत्र भी तुम ही पढ़ो। हाथ छोड़ो, मेरे पीछे आओ। अच्छा सभी प्रॉपर्टी तैयार? हमारे गोविंदा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। विवाह करने वाले पंडित से कॉमेडी? मैंने पूछा विवाह से संबंधित प्रॉपर्टीज के बारे में। फल फूल पान सुपारी वगैरह ना? केवल वही नहीं मूर्ख, नवधान नारियल कलश माला पंचामृत मेरा भेजा जैसे कितने बहुत है। आपके भेजे के सिवा बाकी सब तैयार है। कौन है ये कन्या वाली? जान मुझे सब कुछ चेक करना पड़ेगा। नहीं मानेगी। फिर से कॉमेडी? एक दूंगा तो सर नारियल की तरह फूट जाएगा। अरे तुम लाइन में रहना भाई, चलिए चलिए। बोलो ना, मुझसे नहीं होगा। कल CM के घर की शादी में बुक किया है। कहाँ है कलश? कहाँ है? सारी आपसे नहीं पूछा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे कहा ना? अब ये क्या हो रहा है? अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ गुरु। ये क्या कह रहे हो, तुमने ठीक से ढूंढा के नहीं? सब जगह ढूंढ लिया गुरु, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करना है? तो शादी पोस्टपोन करके बाद में रख लेंगे। करेक्ट। कहा था पावरफुल पंडित। ठीक है, जब वो मिलेगा तभी शादी करेंगे। फिलहाल ये शादी कैंसिल। सब लोग जाओ शादी कैंसिल। कैंसिल? क्या है कैंसिल? शादी क्यों? पंडित जी नहीं होंगे तो शादी नहीं होगी। सुनिए आपका नाम क्या है? कपिल शास्त्री। आपको शादी की विधियाँ आती है? विधि मंत्र जाप तो मैं ही करता हूँ, वो तो केवल होंठ हिलाते हैं। बहुत अच्छे, वो अभी नहीं करने वाले पंडित है, मैं मंत्र पढ़ने वाला पंडित। तो आप ही शादी करवाइए। अति उत्तम। जाइए। आप क्या देख रहे हैं, मैं असली पंडित के बिना शादी नहीं करूंगा। तुम्हें शादी पंडित से नहीं करनी है, लड़की से करनी है। यही फैसला है? यही फैसला है। तो ठीक है, चलो चलता हूँ। मंगलसूत्र कहाँ है जजमान? अरे यहाँ है, मुझसे क्या पूछते हो? ढूंढो ना। ओहो मंगलसूत्र खो गया। अशुभ है, अशुभ है, चलो उठो दो। शादी कैंसिल, शादी कैंसिल। शादी में आए वो लोग खाना खाकर अपने अपने घर जाइए। अगला मुहूर्त बताओ तभी शादी करूंगा, आप जाओ। अवश्य। ये बढ़िया सा मंगलसूत्र मेरे पास है। पंडित जी। जी
लाओ। श्रीमान आपका मन विचलित है इसलिए ठीक तरह से तीन गांठ बांधिए। इधर दो गांठ बांधूंगा, एक गांठ तेरे गले में बांध के ठिकाने लगा दूंगा। दामद जी दुल्हन यहाँ है। यहाँ जानकी की बच्ची, मुझे और टेंशन मत दे, गला आगे करो। शादी रोकने का वादा करके तुम लोगों ने मुझे सुहागरात की चौखट पर खड़ा कर दिया। 25 साल तक मुझे जिस मर्दानगी पर नाज था, आज उसकी नीलामी हो जाएगी। आके फड़ फड़ के क्या देख रहे हो गधो, कुत्तो कमीनो। गोविंदा, औरतों के पास सैकड़ों टेक्निक्स होते हैं। दूध से शुरू करेगी, फूलों से उकसाएगी, बिस्तर पर जादू चलाएगी, पलक झपकने से पहले ही तुम कमिट हो जाओगे। फिर हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अब बचा के भी क्या करोगे? चाहे कुछ भी हो जाए तुम मरे रहना। ठीक है, सभी इंद्रियों पर काबू करने वाला एक ही ग्रह है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो है शनि ग्रह। जाओ आशीर्वाद दो। डोंट प्रोसीड। नो प्रोसीडिंग्स। अब देखना फुल स्विंग। लीजिए। क्या है? दूध। हाँ लाओ। दूध से शुरू करेगी। नहीं, दूध नहीं चाहिए। क्या बात है, दूध से कोई प्रॉब्लम है? सभी इंद्रियों पर काबू पाया ना मैंने, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी लाओ दूध दे दो। पेपर भी पढ़ लिया, दूध ही पी लिया, अब और कोई काम नहीं दूसरा। जाओ सो जाता हूँ। गोविंदा, फूलों से उकसाएगी। ओके। वो फूल की खुशबू। साड़ी उतर गई थी तो उसे मतलब उड़ा रहा था आपको। हाँ बस उड़ा रहा था। और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। क्या हुआ? छोड़ो से मुझे डर है। पीछे हटो गोविंदा, गो बैक। गोविंदा पीछे हटो, कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं जो होना था सो हो गया, अब आगे क्या करना वो सोचिए गोविंदा भाई। मेरे भाई तुम सब मिलकर बताओ मुझे क्या करना है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। सुनो, मर्द को शिकस्त देने के लिए औरत के पास दो हथियार हैं, एक बेड दूसरा फूड। अरे बेचारा तो कल रात को हो गया ना। कल रात को? शर्मा क्यों रहे हो? मुझे याद आ रही है। इनकी बात सुनो, आज के बाद वो हाँ कहेगी तो तुम ना कहोगे, और वो ना कहेगी तो तुम हाँ कहोगे, जो भी खिलाओगी तुम नहीं खाओगे। अब तो सर हिलाएगा, बाद में हमारे सर शर्म से झुकाएगा। नहीं यारो, इस बार देख लेना। पावर। संभल के चलिए। क्यों पोज दे रही हो? सिनेमा की हीरोइन समझती हो अपने आप को? नहीं जी। तो ये हाथ? आप गिरना चाहे इसलिए पकड़ लिया। हटाओ। गिरा क्या? फिर मैं फुलटू होकर आया हूँ, जानती हो? जानती हूँ जी। यानी पति फुलटू होके बर्बाद हो जाए, तुम एक पत्नी के नाते क्यों जी क्यों पी के आते हो ऐसा नहीं पूछोगी? आप क्यों पीते हैं जी? तुम मुझसे पूछोगे कि मैं क्यों पी के आता हूँ? एक मिनट। नहीं, आप ही नहीं पूछने को कहा ना।
क्या? अगर मैं पूछने को कहूंगा तो तुम पूछोगी? गलत है, गलत है। तुझको जो छुलू यूं ही तो दिल मेरा भर गया। जब तू पकड़ता है बाहों में, जब पकड़ता है धक धक बोले दिल मेरा। आंखों में बसा के तुझे, सीने से लगा के तुझे, हौले हौले डोले मन मेरा। दुनिया से प्यारा लगे तू मुझको प्रिया, हे प्यार दे के प्यार ले ले आ अब तो प्रिया। ओ जब रात ढले तेरे पास आऊंगा मैं, हे गजरा सजा के मेरी जुल्फों में सेज भी बिछाऊंगी मैं, हे गोरी तेरी अखियों से अखियां मिलाऊंगा मैं, सपना करूंगा तेरा पूरा। प्यार की बहार सारी तेरे लिए लाई हूं मैं, तेरे बिना जीवन है अधूरा। ये प्यारी प्यारी शबनम बरसेगी ओ प्रिया ओ, जो देखा हाय मैं तो मर गया, अरे रे 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 नजरों से तीर चलाती हो क्यों, बोलो क्यों। नमस्ते वीरेंद्र सिंह।
ये है मिश्रा जी, इस मंदिर के ट्रस्टी। हाँ। ये है मेरी वाइफ। नमस्ते जी। मैं कैसे नहीं जानता जानसी को, इनके पिता हरिचंद्र प्रसाद और मैं बचपन के दोस्त हैं। क्यों बेटी, पिताजी अच्छे हैं ना? अच्छा चलते हैं, चलो। मैं अच्छा हूँ, चलता हूँ। शांति, तुम एक बात जानती हो, मैं इस मंदिर में आखिरी बार रूपा के साथ आया था, इतने साल बाद आज दोबारा तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अरे अपना वीरू भाई, आओ परिचय कराता हूँ। ओए वीरू भाई, अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? चलो उधर से चलते हैं। चोर क्यों बे, बुलाया तो चुपके से भाग रहा था। अरे सुबह सुबह मंदिर में कैसे, बचपन की तरह चप्पल और नारियल के टुकड़े चुराने आया क्या? सुनो शांति, ये मेरा दोस्त वीरू भाई है ना। अरे भाई वीरू यार, जानती हो बचपन में नीचे पहनने के लिए इसके पास निक्कर भी नहीं होती थी, अभी ऊपर की कमाई करके फ्लाईओवर बना रहा है। क्यों बे? अच्छा चलते हैं। अरे भागता कहाँ है यार ये लड़की? ये मेरी धर्म पत्नी है ना पद्मा, अपने ड्रिल मास्टर रामकुमार जी की बेटी। बचपन में सूखी लकड़ी की तरह थी, अब थोड़ी मोटी हो गई है। हाँ। यानी कि मैंने जो सुना सच है कि तुम इसे भगा कर ले गए और शादी कर ली। कुंदो सुनो शांति, इसने इस लड़की को सातवीं कक्षा में ही फंसा लिया था। अब बस आप चुप रहिए, आप बोलिए। देखा बचपन की बातें कहने सुनने में कितना मजा आता। याद है एक बार इसने तुम्हें छेड़ा तो तुम्हारे बाप ने इसे मारने के लिए साइकिल की ट्यूब लेकर इसका पीछा किया था, ये भी कोई कम नहीं है, तेज रफ्तार से भाग गया। गोविंद। और सुनो शांति, इन दोनों की लव स्टोरी बहुत निराली है, टूरिंग टॉकीज में, नदी के किनारे, खेतों में, बागों में, बगीचे में, जहाँ भी देखो ये दोनों चिपके हुए दिखाई पड़ते थे। बस करना गोविंद, बोलने दीजिए करना। अच्छा सुनो पद्मा, सुनने में आया कि जब ये तुम्हें भगा कर ले गया तब उस सदमे से तुम्हारे पिताजी चल रहे। अच्छा उन्होंने कुएं में कूदकर खुदकशी की? मेरे पिताजी मरे नहीं। क्यों? उनका नाम रामकुमार नहीं हरिश्चंद्र प्रसाद है। अरे रे रे रे, यानी तुम्हारी माँ ने रामकुमार जी को छोड़कर हरिश्चंद्र प्रसाद जी से शादी कर ली? मेरा नाम पद्मा नहीं राधा है और मेरे पिताजी का नाम हरिश्चंद्र प्रसाद है। राधा 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 रुको। अरे मैंने ऐसा क्या कहा? क्या आपने तो हद कर दी। कौन सी हद? चली गई, अब तो खुश हूँ। अरे रोता क्यों है, मैं तुझे ड्रॉप करूंगा ना। हाँ, पहले से ड्रॉप किया ना गड्ढे में, वही काफी है। आ तो Shut up, please. सबसे पहले फैंस, but... फैंस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फैंस ही मेरी जान है। ऐसी कौन सी बात है, क्यों बुलाया? सुना है तुम आजकल लड़कियों के साथ घूम रहे हो। लड़कियों के साथ नहीं जी, एक लड़की के साथ। ठीक है दोनों बात एक ही तो है, फर्क क्या इसमें? सोचा पूछने वाला कोई नहीं है, कौन है वो लड़की, जवाब दो कौन है वो? श्वेता नाम है, फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ रही है। क्यों लव है उससे? अब कुछ कुछ ऐसा ही है। उस लड़की का एड्रेस बता, ये जाके बात करेंगे उनसे। तो बहुत बड़ा है, कोई है? अरे भाई कोई है? इतने बड़े घर में कोई वॉचमैन भी नहीं है? नो 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 राय साहब, नथिंग टू वरी, जस्ट बिलीव मी, नो 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 प्रॉब्लम सर। भाई अरे तेरे की ये कैसे? अरे रुक रुक रुक, अरे तुम यहाँ कैसे? क्या मेरे घर आकर मुझे से पूछ रहे हो कि मैं यहाँ कैसे? जवाब नहीं, ये तेरा बंगला है? अरे धीरे धीरे, मतलब मेरा काम आसान हो गया, आजा बैठ के बात करते हैं। अरे आ ना यार, मुझे थोड़ा काम। यार घबराता क्यों है, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। ऐसी बात में लफड़ा खड़ा कर देता तू, बहुत सी बातें करेगा तो क्या होगा, जो भी हो टेंशन दी मैंने, जल्दी बताओ। अरे भाभी कहाँ है? फ्लैशबैक में और भी कुछ बाकी रह गया क्या? परसों जो तूने झटका दिया था वो अभी तक नहीं उतरा है, ये बता मुझे और मेरी बीवी को अलग करने की कोई कसम खाई है? अरे चुप कर, मैं अलग क्यों करूंगा, मैं तो जुटाने के लिए आया हूँ। क्या जुटाओगे? मेरी जायदाद जुटाओगे? अबे चुप कर, तू मजाक बहुत करता है यार, करोड़ों का बेटा है मेरे पास तो तेरी जायदाद किस लिए? उसी के बारे में बात करने आया हूँ। बात सुनेगा ना तो बिजली का करंट लगा ऐसा फड़फड़ाएगा तू। तो बार बार देते ही हो, बात क्या है जल्दी बताओ। तू मेरे बेटे को जानता है ना सिद्धार्थ, जो टीवी में दिखता है वो और तेरी बेटी, मेरी बेटी, दोनों प्यार करते हैं। देखा कैसा झटका लगा, मुझे भी कल ही पता लगा। देखा हमारी पुरानी दोस्ती अब रिश्ते में बदल रही है। रुको एक मिनट, यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे जल्दी आना। सुबह नहीं हुआ श्वेता, फोन रखो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आई विल कॉल यू बैक, ओके? या सुनो, मेरे सवाल का सिर्फ यस और नो में जवाब देना, ठीक है? तुम वो सीसीटीवी वाले सिद्धार्थ को जानती हो? से यस और नो, कम ऑन। यस डैड।
तुम उसे प्यार करती हो? यस डैड। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? यस। कहाँ चले गए थे? अपनी बेटी से बात कर ली। क्या कहा उसने? यही कि तुम्हारे बेटे से प्यार करती है। मैंने कहा था ना, ऐसा करते हैं, जल्दी से अच्छा मुहूर्त देकर उनकी शादी करा देते हैं, ताकि मैं अपनी बहू को जल्दी से अपने घर ले जा सकूं। Shut up! Shut up, will you? क्या हो गया? चुप कर। बात बात पर आ रहे अरे कहकर मुझे टॉर्चर करता रहता है। कभी बचपन में तेरा दोस्त हुआ करता था, उसके लिए इतनी सजा क्यों दे रहा है? क्या कह रहे हो वीरू भाई? वीरू भाई नहीं, वीरेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर। वो है मेरा लेवल कॉन्ट्रैक्टर। मजदूर को मजदूरी दे सकता हूँ, दोस्त का दर्जा नहीं। तेरा और मेरा रिश्ता जुड़ेगा ये कैसे सोच लिया है? खुद को देख, अपना होलिया देख और मुझे देख, तू मेरा समधी बनेगा। क्या कहा था? मेरी बेटी को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाएगा। इस घर को देख, गौर से देख। तुझ जैसे 100-100 मजदूरों ने साल भर काम करके बनाया ये घर, ऐसे घर में रिश्ता जोड़ने का सपना देख रहा है? मुझसे भूल हो गई सर, वो दोनों प्यार करते हैं इसीलिए। उस एक ही वजह से तू अभी तक मेरे सामने खड़ा है, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल देता। सुन, मेरी बेटी तेरे बेटे से प्यार करती है इस वजह से, और तेरा बेटा तुझ जैसा नहीं है इस वजह से। एक शर्त पर मैं शादी करा सकता हूँ। कैसी शर्त सर? उनकी शादी चाहते हो तो ना तो तुम उनकी जिंदगी में दखल दोगे और ना ही रहोगे। नहीं समझे? तुम अपने बेटे से कोई संबंध नहीं रखोगे, खून के रिश्ते को तोड़ना होगा। शादी के बाद सिद्धार्थ इस कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा, मजदूर गोविंद राज का बेटा नहीं। अच्छी तरह सोच लो, तुम अपने बेटे की खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। राज की गवाही और तमाम सबूतों से यह जाहिर होता है कि मुल्जिम साधु बिहारी उर्फ साधु भाई ने ही मिस्टर गोपीचंद का खून किया है, लिहाजा ये अदालत साधु बिहारी को मुजरिम करार करते हुए उन्हें आईपीसी दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। The court is adjourned. छोटे तू फिक्र मत कर, हाई कोर्ट में सोमवार को बेल की अर्जी डालकर तुझे बाहर ले आऊंगा। हाँ। मुझे बेल नहीं मिली तो कोई बात नहीं भैया, लेकिन मेरे जेल पहुंचने से पहले ही वो गोविंदराज और उसके साथ घूमने वाले वो 5 कुत्ते खत्म हो जाने चाहिए। अबे चल।
क्या है ये सड़क पर मारना पीटना? असल में आप इंसान है कि जानवर? अच्छा, जुल्म करने वाले बदमाशों को मारने वाला जानवर होता है ये मैं नहीं जानता था। बदमाशों को सजा देने वाले आप कौन होते हैं? यहाँ पर पुलिस नहीं या फिर कोर्ट नहीं है? क्यों नहीं है? लेकिन जब वो लोग मेरे आदमियों को मार रहे थे तब वहां पर कोई नहीं था, इसलिए उनका काम मैंने किया। बेकार के बहाने मत कीजिए, सच है कि आप बदल नहीं सकते। चचे, बदलने का मतलब क्या है? मेरे आदमियों को अगर अपनी आंखों के सामने मार खाते हुए देखकर चुप रहने को अगर तुम बदलना कहते हो तो मैं जिंदगी में कभी नहीं बदलूंगा। आपसे बदलने की मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आप मेरे पिता हैं कहते हुए मुझे शर्म आती है। शादी के बाद सिद्धार्थ इस कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा, मजदूर गोविंद राज का बेटा नहीं। आपकी यही करतूत रही तो मुझे आपसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तुम अपने बेटे की खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। खामोश क्यों हो गए? मुझे आपसे जवाब चाहिए। आप बदलेंगे या नहीं? नहीं बदलूंगा तो फिर मैं यहां नहीं रहूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहां रहो। सुनिए। खामोश। तुम रोज मुझे बातें सुनाते रहो, वो सुनकर चुपचाप रहने वाला मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। अपनी मेहनत की कमाई खाता हूं, अपनी मर्जी से जीऊंगा। ये सब जिसे पसंद नहीं वो ये घर छोड़कर जा सकता है। और सुन, जाऊंगा जाऊंगा कहकर धमकी मत दिया कर। अगर तुझमें हिम्मत है, खुददारी है तो अभी इसी पल बाहर निकल, निकल जा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सिद्धू? उनकी बातों का बुरा मत मानना, तुम अंदर चलो। शांति। उसे रोक कर मेरा अपमान मत कर। निकल जा बाहर। जी 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 जी। तुम्हारे पिताजी अनपढ़ गवार हैं ये जानता था, लेकिन सगे बेटे को बाहर निकालने वाले कसाई ये नहीं जानता था। मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो कुछ नहीं, उसकी कोई भी बात किसी को समझ में नहीं आएगी। बचपन में एक बार मास्टर जी ने उससे उठक बैठक लगवाई तो पत्थर से उसका सर फोड़ दिया। उसे बचाने के लिए वो इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया। दोस्त है ना, बचपन का वही दोस्त अब मेरा समधी बनेगा, ये सोच के मैं कितना खुश था पता है? क्यों राधा, आपने इसे मुझसे कब कहा? पागल कहीं की, इसे तो भूलने की आदत है, इसे छोड़ो। इतना ही नहीं, ये सुनो, एक बार मैंने उसे दारू छोड़ने के लिए कहा तो मुझे ही मारने लगा। मैंने भी कई बार समझाया लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। हाँ मूर्ख है, नहीं सुनेगा, भूल जाओ। यानी जो हुआ उसे भूल जाओ कहा। बात ये है कि बेटे सब कुछ ठीक ठाक चला तो अगली 15 तारीख को धूमधाम से फंक्शन करने का प्लान किया था। खैर अब उनका मन बदलने के बाद ही रखेंगे, ठीक है? तुम्हें ऐतराज नहीं तो फौरन रख सकते हैं। लेकिन नहीं, किस लिए? जब तुम ही दुखी हो तो किस लिए? वैसे बढ़िया मुहूर्त था इसलिए सोच रहा था। आपकी मर्जी। थैंक यू बेटे। बढ़िया ही, हरिश्चंद्र की बेटी। ए, तुमने मुझे कब बताया? अरे नहीं बताया, पर पति झूठ बोले तो सपोर्ट तो करना चाहिए ना। ये पहले बोलने चाहिए। ए, वकील लिखना बंद कर, 15 तारीख को एंगेजमेंट फिक्स कर। हाँ जी। क्यों बेटी, ठीक है ना? ये क्या गोविंदा, बचपन से सिद्धू के छोटे बड़े सभी काम तुम ही करते थे, आज उसकी सगाई के दिन तुम इस तरह चुपचाप बैठे हो? हाँ गुरु, तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। कुछ तो बोलो गोविंदा भाई। सुनिए, जो मंगनी आपके हाथ होनी चाहिए थी आपकी गैर मौजूदगी में हो रही है। मेरे ना रहने से कुछ रुकेगा नहीं। इस मंगनी में तो क्या, मैं उनकी जिंदगी में भी नहीं रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम अपने बेटे से कोई संबंध नहीं रखोगे, खून के रिश्ते को तोड़ना होगा। शादी के बाद सिद्धार्थ इस कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा। बेटे की खुशी चाहते हो तो तुम्हें अपने खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। इतना दर्द अपने सीने में छुपा रखा था। सुनिए, अपने सिद्धू की मंगनी में हम भी चलेंगे ना?
भारती बाबू लग रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी बेटी के एंगेजमेंट के लिए मैंने बेल्जियम से प्लैटिनम डायमंड रिंग्स मंगवाई हैं। यू नो हाउ मच इट कॉस्ट? 1,50,00,000 यानी 1.5 करोड़ रुपए। थैंक यू सो मच। आई लव यू माय डियर। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ सिद्धू, तुम्हें कैसा लग रहा है? कम ऑन सिद्धू, से समथिंग। बेटी की आंखों में खुशी लाने के लिए करोड़ों खर्च करने वाले तुम्हारे डैडी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बेटे की जिंदगी में पहली बार होने वाले शुभ कार्य को देखने के लिए मेरे पिता यहाँ नहीं है, इस बात का दुख है। कमाल सिद्धू, जो नहीं है उनके बारे में क्या बात करनी है? फॉरगेट इट। यस, मेरे पिता यहाँ नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। हाँ तो स्टार्ट करें, कम ऑन। वन मिनट। जो मेरे बारे में जानते हैं उन्हें मेरे पिता के बारे में भी जानना होगा। मेरे पिता एक मजदूर हैं। इस तरह के सैकड़ों बंगले बनाने वाले हजारों मजदूरों में वो भी एक मामूली से मजदूर है। उन्होंने रोज 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए की मजदूरी कमाकर मुझे पाला पोसा, खून पसीने से मेरी परवरिश की। मुझे 3 वक्त खिलाने के लिए वो 2 वक्त का खाना छोड़ देते थे। मेरी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझते हुए और मेरे भविष्य को अपना भविष्य समझते हुए वो ये भी भूल गए कि उनकी अपनी भी एक जिंदगी है। पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 साल के वनवास जाने वाले बेटे के बारे में आप जानते हैं, तो अपनी औलाद की खुशी के लिए अपनी ही जिंदगी की कुर्बानी देने वाले पिता को मैं जानता हूं। वो मेरे लिए सिर्फ एक पिता ही नहीं, भगवान है। भगवान तो हमेशा मंदिर में रहते हैं, पर बिना मंदिर के भगवान है मेरे पिता श्री गोविंद। सिद्धू, इट्स ओके, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो रस्म हो जाए। श्योर। ये अंगूठी पहनाने से पहले मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? तुम्हें अपने डैडी से अलग होना होगा। जिंदगी में फिर कभी उनसे नहीं मिलोगी, उनसे बात तक नहीं करोगी। सिद्धू, ये क्या कह रहे हो? Have you gone mad? तुम पागल हो गए हो? सिर्फ अलग होने की बात सुनते ही इतनी जज्बाती हो रही हो? तो मुझे और मेरे पिताजी को अलग करने पर मुझे कितना जज्बाती होना चाहिए? पूछो। अगर ये शादी होनी है, हम बाप बेटे को अलग होना है, यही तुम्हारी डैडी की शर्त थी। शर्तों के बिना पर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिंदगी और रिश्ते नहीं। वीरेंद्र सिंह साहब, रिवाज है कि बेटी शादी के बाद ससुराल जाए। दामाद को घर जमाई बनाने की इच्छा स्वार्थ है। भगवान समान मेरे पिता लाचार की तरह वहां कोने में खड़े हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप और आपकी शर्तें। पिताजी, जो सह चुके वो काफी है, आगे आइए। बेटा सिद्धू, ये सब क्या है? हम तो बस ये शुभ कार्य देखने आए थे। पिताजी, शुभ चाहने वाला जो करता है वही शुभ कार्य है। ये महलों वाले हमारा शुभ नहीं चाहते, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऐसा मत कह बेटा, मेरी बात मतलब तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? प्यार करता हूँ, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार भी चाहिए, लेकिन इन दोनों से बढ़कर है मेरे लिए मेरे पिता। सिद्धू, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मेरे पिताजी के अपमान के सामने ये कुछ भी नहीं है। आपको इसका एहसास दिलाने के लिए ही मैं इंतजार करता रहा। जल्दबाजी करो सिद्धू। जल्दबाजी मैं नहीं, आप कर रहे हैं। चलिए पिताजी। मेरे पिताजी से क्या कहा था? ये सिद्धार्थ राज वीरेंद्र सिंह का दामाद कहलाएगा? नेवर, चाहे जितने भी जन्म ले लूं, सिद्धार्थ तो सन ऑफ गोविंद राज। ओके ब्रदर, एक माँ के कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन एक ही ऑटो में सफर तो किया। ये घर आपका है? हाँ मेरा है भाई। इतना सब होते हुए अकेले आए बिना शेयर ऑटो में क्यों आए? सिर्फ अपने लिए कभी नहीं सोचता, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि रवि कुमार सिर्फ एक बात से वाकिफ नहीं, झूठ से।
शक की निगाहों से मत देखिए, जब भी आपका मन करे आ जाइए, बिना खर्च के कॉफी पिलाऊंगा, बिना बिल का भोजन भी, ठीक है? ठीक है, अब आप लोग जाइए, मेरी वजह से आपको देर ना हो। नमस्ते। बेवकूफ है साले, पैसे दिए बिना ही यहाँ तक आ पहुंचा, गेट खोल। मैं देर से आया इसलिए सब दुखी है, इसने तो रोनी सूरत बनाई है। मंगनी पर मैं नहीं आऊंगा तो तुम सब रोगे, मैंने उसी दिन वकील को बोला था, जानते हो उसने क्या किया? मुझे चारों टिकट देकर रिजर्वेशन के डिब्बे में डाल दिया। फिर यूं हुआ जीजा जी, चार स्टेशन के बाद टीटी ने मुझे उतार दिया। अरे भाई मेरी भांजी की मंगनी है, बताया किसी ने नहीं सुना। कमाल है, पूरा ब्यौरा बता रहा हूँ फिर भी वही शक्ल। तुम सुनो दीदी, वक्त पर आने के लिए रेत की लहरें में चढ़ गया, हाईवे पर उसने ट्रैक्टर को ठोक दिया, वहाँ बहुत बड़ा लफड़ा। इसमें मेरी क्या गलती है बोलो दीदी? तेरी कोई गलती नहीं है, तू अंदर जा। अरे जब तुम भी उन्हीं की तरह बात कर रही हो, श्वेता बेबी आखिर हाईटेक बस में आना पड़ा, वो मुझसे भी स्लो थी। इतना कुछ बोल रहा हूँ, प्रयाग भी नहीं करते, आप इंसान है कि जानवर हैं? जान से मार दूंगा, बस कर। ये क्या, मंगनी पर नहीं आए तो मारते हैं, ऐसा भी रसम है? अरे बोले ना। मंगनी टूट गई है, आप खुश? अच्छा तो थोड़ा सेंटिमेंट यूज करता हूँ। ये आपने क्या किया जीजा जी, मेरे नाने से मंगनी तोड़ दी? आपको मुझसे इतना प्यार है, एक वोटर के नाने से पोलिंग पोस्टपोन करते हैं, ये क्या बेवकूफी नहीं है? वैसे भी पब्लिक आपको मनहूस बोलती है, पता है? अबे चले पे नमक छिड़कर सुंदर नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए इसे, मैंने कहा ना तो अंदर जा, इस पे क्यों बिगड़ रहे हैं? अब आगे क्या होना वो सोचिए। हाँ होने के लिए बाकी क्या है, इतने वर्षों में मैंने जो कमाया, नाम मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल गई। डैड जो हुआ उसकी वजह से आपका नहीं, असल में मेरा अपमान हुआ। तुम्हारा तो सिर्फ अपमान हुआ है बेटी, मेरा तो नुकसान भी हुआ है। 25 लाख का खर्चा करके फंक्शन रखा और लोग मुझी पर थूक रहे हैं। जिसके लिए सिद्धू ने मुझे ठुकराया उसी को उससे दूर कर दूंगी। ये बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं होगा, उस दिन देखा था ना। डैड व्हेन यू कांट बीट देम जॉइन देम, सिद्धू की पत्नी बनकर उस घर में कदम रखूंगी और बाप बेटे के बीच दरार पैदा करूंगी। देखो तुम दरार पैदा करोगी या क्या करोगे मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन दोनों साथ नहीं रहना चाहिए, दोनों को अलग करना होगा, तभी मेरा जो अपमान हुआ उसकी थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी। छोड़ो, थोड़ी बहुत नहीं पूरी तसल्ली दिलाता हूँ, सॉरी दिला देंगे। जीजा जी अब 6 महीने में चुनाव होने वाला है, फंड्स की हालत टाइट है, आप उसका ख्याल रखेंगे तो मैं बेबी के सपोर्ट में खून बहा दूंगा। चलो बेबी उनकी तबाही शुरू कर देते हैं, प्लान तुम्हारा और अकल मेरी, तो अपोजिशन जहन्नम। कुछ भी हो सिद्धू, तूने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं उनकी शर्तें मान लेता? ऐसा नहीं है फिर भी। तो फिर और क्या है, मुझे सारी सच्चाई इन्होंने बताई थी। उसने बताया सिचुएशन की डिमांड थी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे क्या जरूरत थी उसे बताने की? बहुत हो गया ये झगड़ा, पहले कॉफी पी लीजिए। ये पकड़। आप बाप बेटे के प्यार की बात छोड़िए, प्यार करने वाली उस लड़की के बारे में सोचा है? कैसे सोचेंगे बहन, बिगिनिंग से इस घर में कभी लेडी सेंटीमेंट रहे तब ना। ठीक है तू चुप कर, असेंबली में स्पीकर की तरह बढ़िया बोले। तार कोल से बनी सड़क की तरह चमक रहे हो, कौन है बे? रवि कुमार, 4 बार सरपंच का चुनाव लड़कर हार चुका हूँ, इसलिए मुझे सरपंच रवि कुमार कहते हैं। रात के वक्त प्रचार करने गया होगा इसलिए किसी की नजर नहीं पड़ी होगी। सच फरमाया, तुम कैसे जानते हो? वो बाद में बताएंगे, पहले पधारे क्यों हो ये बोलो। जिस उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी हुआ उसे इंसाफ दिलाने आया हूँ मैं। नाइंसाफी? कौन है वो उम्मीदवार? बेबिया नमस्ते बाबूजी, नमस्ते माँ जी। अरे ये क्या अरे रे उठो, क्यों आई हो? आप ही बताइए बाबूजी, शर्तें रखी गलती किसने की थी? तुम्हारे पिताजी ने। उन शर्तों के बारे में क्या मैं जानती थी? नहीं, उन शर्तों को माना किसने? मैंने। उससे मेरा कोई संबंध था? नहीं बिल्कुल नहीं। सच जाने बगैर जल्दबाजी में कौन चले गए थे? वो उन तीनों की गलती के लिए मैं एक लड़की, मेरे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है माँ जी? हाँ, सही बात है, क्यों जी आप बोलते क्यों नहीं? हाँ ये गलत है पिताजी, आप इसके बारे में नहीं जानते, ये अभी ऐसे ही बात करेगी, फिर थोड़ी देर बाद आप इसकी बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद क्यों, मैं अभी वो करने वाला आपको। गुरु जी आप रूलिंग पार्टी में होते हुए भी अपोजिशन पार्टी पर मेहरबान हो। थैंक्स, मुंह बंद रखेंगे। थैंक्स। सिद्धू अपने पिताजी की खातिर तुम मुझे ठुकरा के चले आए, मैं तुम्हारी खातिर अपने पिताजी को ठुकरा कर आई हूँ, यकीन मानो। वो क्या यकीन करेगा, ना बेटी तू आज से इस घर की बहू है। पिताजी तू चुप रहे, तुम क्या कहती हो? आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। तुम लोग क्या कहते हो? जो तुम कहो भाई। शाबाश, देवी सर्वसम्मति से जीत गई। आ,
हो खिल उठी याद में आपकी शोखियां, मेरे सिंगार में आपकी सुर्खियां, मदहोशी ले आया कलियों सा तेरा यौवन, तुमसे ही खिलता है फूलों सा मेरा बदन, तू जिंदगी मेरी हर खुशी मेरी तू ही कामायनी, मैं तेरी बाहों में तेरी सांसों में हूँ तेरी गीतांजली, अब ले लो ले लो ले लो मुझे गोरी गोरी अपनी बाहों में, से मचले समले कोई कैसे काबू करे इसको, ए सजना मधुबन यौवन खुशबू शबनम छलके कर ले तू पूरी आरज़ू, बातें बातें बंद करो आओ कुछ काम कर, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, बाली सी उमरिया है धीरे धीरे हौले हौले पिया मुझे डर लगता, मौसम भी ले लो ले लो ले लो मुझे गोरी गोरी अपनी बाहों में, हम तरस रहे हैं दोनों जलती अग्नि है सांसों में, हो खिल उठी प्यार में आपकी शोखियां, हम इंडियन बैंक से आ रहे हैं, सिटी टाउनशिप कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलेगा बोल के आपने हमारे बैंक से मशीनरी के लिए 9 करोड़ रुपए फाइनेंस लिए हैं, फिर पता चला कि आपको सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, कई बार नोटिस भेजने पर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया, हमारे बैंक ने आपकी प्रॉपर्टीज को जब्त करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है, आप अपना काम कीजिए, ये रहे ऑर्डर। खाना खाते वक्त किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो मुझे गुस्सा आएगा।
हफ्ते भर में तुम्हारा पैसा चुकता हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ। एक हफ्ते में रुपए कैसे देंगे? दे देंगे। जिसने नुकसान किया वही मुआवजा भरेगा, यही इंसाफ है। सिद्धू आरती ले लो। बाबूजी से बात की? नहीं, एक बार बात तो करो। उनसे शराब की लत छुड़वाना इम्पॉसिबल है। व्रत है ना सिद्धू, जस्ट वन वीक प्लीज सिद्धू। क्यों भाई, बहू कुछ मांग रही तो सर हिलाकर मना क्यों कर रहा है? हाँ? पर ये क्या मांग रहा है आप नहीं जानते। चाहे कुछ भी हो जाए, औरतों की इच्छा को पूरी करना हम मर्दों का धर्म है, कर्तव्य है और जिम्मेदारी है। तुम बोलो बेटी। दरअसल आपसे कुछ मांगना चाहती है। ये तो और भी अच्छी बात है, पूछो बेटी क्या बात है। पिताजी आप वादा कर रहे हैं, अच्छी तरह से सोच लीजिए। इस गोविंदराज ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद नहीं सोचता। पिताजी तू चुप रह, तू बोल बेटी। बाबूजी मैं व्रत रखने वाली हूँ। बड़ी खुशी की बात है, रख लो ना। हफ्ते भर के लिए घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। कोई बात नहीं बेटी, नहीं बनेगा। और फिर कहो ना बेटी, वो क्यों झिझक रही हो? आप एक हफ्ते तक शराब छोड़ देंगे। ये क्या, आप इस तरह टूट गए? घर के मर्दों की भलाई के लिए तो मैं ये व्रत रख रही हूँ। बेटी हम तो वैसे ही पहले से भले चंगे हैं। और भी चंगे हो जाएंगे ना बाबूजी। और का क्या अंत है बेटी? श्वेता इनकी शक्ल से पता नहीं लग रहा है, ये शराब नहीं छोड़ेंगे। तुम व्रत छोड़ दो, तू मुंह बंद करना। बेटी तू अपने व्रत का इंतजाम कर। अब मेरा ही जंक्शन जाम हो गया। हेलो, अरे सुनो, तुम पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही हो। हम यहाँ पार्टी को तोड़ने आए हैं, मजबूत करने नहीं। वही तो कर रही हूँ। क्या क्या कर रही हो? तुम तो उसके बैड हैबिट्स को छुड़ा रही हो। वो दारू पी तो हमें क्या, पान भरा खाए तो हमें क्या, जो काम है वो देखो। तुम्हारे भेजे में अकल नहीं है, तभी तो तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ। कम टू द पॉइंट। व्रत के बहाने मैंने शराब के लिए मना किया है, शर्त लगा के उन्हें शराब में तुम डुबाओगे। दो टांगों पर जाने वाला गोविंदराज चार टांगों से लौटना चाहिए। अरे वाह, वो तो रेंगते हुए आएगा। तुम्हारे ससुर को दारू की बोतल में उतारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे बाद में मिलता हूँ, बाय। गुरु मैं नहीं लूंगा। तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। कार्यकर्ताओं को भूलने वाली पार्टी कभी उभरती नहीं। आ गया ये। इसलिए आपकी दारू की इस पार्टी में मुझे भी सीट दीजिए। बिन बुलाए मेहमान को सीट देने की क्या जरूरत है, देखो ये कैसे घुस गया। यो भाई कसके बैठ के तुम भी पियोगे क्या? जनता के सुख दुख को ही बांटता हूँ, तो मेरे लिए दारू क्या चीज है? और फिर गोविंदा जी की तरह किसी के डराने से मैं दारू छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अपनी जुबान को संभाल, जंक्शन जाम हो जाएगा। औरतों को जुबान दिया इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। क्यों? लेडीज की बातों को सीरियसली लेकर जो ऊपर आए हो ऐसे किसी एक आदमी को दिखाओ। गुरुजी हो सकता है ये तुम्हारे बेटे का तुमसे दारू छुड़ाने के लिए बनाया गया प्लान हो, जरा सोचिए तो। लेकिन औरतों के साथ वादा किया है ना, इसलिए छोड़ देते। अच्छा छोड़ दीजिए, कैपेसिटी नहीं तो पीने के बाद उल्टी ही करेंगे। गुरु की कैपेसिटी के बारे में बात करता है? गुरु ने अगर दारू पीना शुरू कर दिया तो दारू इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों गुरु? अरे हटो, माना कि मैं आगरा में रह चुका हूँ लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ। अरे उठ क्यों गए, घर वापस जा रहे क्या? अरे पी नहीं सकते तो सीधे सीधे कह सकते हैं, कुर्सी को लात क्यों मार रहे हैं? गुरु इज्जत का सवाल है, हमारी खातिर तुम्हें पीना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुरु, कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ औरतें, यहाँ मत। हाँ गुरु, वो व्रत, यहाँ मस्ती। पियो गुरु, पियो पियो। गुरु होगा शुरू। रुक जाओ, फुल बॉटल। गुरुजी शराब के बाद पानी क्यों पिया आपने? कभी भी कहीं भी मदिरा में जल मिलाओ या जल में मदिरा, दोनों के मिलाप के बाद ही स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं भक्त जनों। ये बात इस निकृष्ट प्राणी के भेजे में डालो। बिल्कुल सही है। क्या बोलता है काले सन्यासी? गुरु मेरी कैपेसिटी के बारे में अब बात कर। क्या करूँगा, बस कैपेसिटी का मुद्दा वापस लेता हूँ। वापस नहीं ले सकते गुरु, मुझे घर ले जाएगा प्लीज।
क्यों? अब तुम इस गाड़ी को चलाओगे? देखता हूँ, धीरे चलाऊंगा भाई। धीरे से यानी कल सुबह तक घर पहुँचोगे? कहो तुम, मैं चलाऊं? अरे तू जवान है, स्पीड में जाएगा, तू पीछे बैठ। चल चल चल, स्लो ड्राइविंग में मेरा मूड खराब हो जाता है यार। पकड़ के बैठ। आप जिस स्पीड में चलाएंगे उसे पकड़ना भी है क्या? क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं? अरे वो पांव से मारता है ना, किकली बार राइट साइड में, देख के मारिएगा। मैंने कहा ना संभल के मारिएगा, नहीं तो पैर टूट जाएगा। आप चलिए। आप तो धीरे चलाने वाले थे लेकिन बहुत स्पीड में जा रहे हैं। अभी तक तूने देखा क्या है? अब देख। भाई, मुझे गुस्सा आता है, अब तू देखना। अरे रोक दो, एक बार जाके भर के आ जाता हूँ। अजीत समझ के स्पीड ब्रेकर आ रहा है। अरे बिना बताए निकल गया। आप क्या ढूंढ रहे हैं? सिद्धू आ गया क्या? हाँ। नहीं आया। आप फिर भी क्या आए हैं? अरे वाह, कमाल का दिमाग है, जेम्स बॉन्ड की भांजी। नाटक कर रहे हैं, जानते हैं ना श्वेता ने व्रत रखा है, जान गई तो कितनी दुखी होगी। वो दुखी ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी बीवी होने के नाते तुम्हारी है, तुम देख लेना। मैं संभालूंगी, अब चलिए। ए शांति, मैंने खाना नहीं खाया बेचारा। रुकिए, मैं भी कुछ लाती हूँ। बाबूजी, आप कब आए? ये क्या बाबूजी की बोलती बंद है? जैसे तुमने अपने पति के लिए मंगल गौरी का व्रत रखा है ना, वैसे इन्होंने मेरे लिए मोहन व्रत रखा है ना जी? मुझे लगा यहाँ कोई बात कर रहा था। वो हाँ, रेडियो रेडियो में कृषि उद्योग का प्रोग्राम आ रहा था ना, वही सुन रहे थे। ओ, है ना जी? अच्छा, अच्छा। चलिए बाबूजी, मैं खाना परोसती हूँ। आप नॉन वेज नहीं खाएंगे इसलिए मैंने तरह तरह के वेजिटेरियन डिशेस बनाए हैं। क्या हुआ? जब ये उपवास रखते हैं ना तो पानी की एक बूंद तक नहीं पीते, है ना? ओफ, वो बेचारे। चलिए आप समझ के चलिए। अरे ये क्या बाबूजी झूल रहे हैं? कमजोरी है श्वेता, कमजोरी, उपवास रखा है ना, सर चकरा रहा होगा। जाइए, जाके सो जाइए। तुम भी ले जाओ श्वेता जी, शायद से तो देर से आएगा। ये क्या, गुड नाइट बोल रहे हैं? गुड नाइट, है ना? मैं भी जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट श्वेता। हाय श्वेता, इतनी देर क्यों कर दी? हमारे चैनल में काम करने वाले सिद्धार्थ को बेस्ट न्यूज रिपोर्टर का अवार्ड मिला। चैनल वाले को अवार्ड मिले तो तुम्हें क्या? आई सेड सिद्धार्थ को
अवार्ड। इतनी अच्छी खबर पहले मुझे क्यों बता रहे हो? बाबूजी को बताना चाहिए। पिताजी आ गए? वो अंदर हैं। चलो, चलो। पिताजी। वहीं पर क्यों रुका है सिद्धू? अंदर आओ ना। इनको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन? हाँ। इसलिए? शराब की लत छुड़ाने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। सचमुच? वैसे मुझे बेस्ट न्यूज़पेपर रिपोर्टर का अवार्ड मिला, सोचा वो बता दूं। अच्छा? कांग्रेट सिद्धू। थैंक यू। अभी जो मैंने कहा वो पिताजी ने सुना होगा ना? हाँ, क्यों जी, आपने सुना? हाँ, सुना सुना। आशीर्वाद दीजिए। इन्हें मेडिटेशन करने दीजिए। अच्छा। चलता हूँ। लाते हो, रुकिए। पिताजी मेडिटेशन कर रहे हैं। खून आ रहा है, देखो। अरे खून कहाँ निकला, चिल्ला क्यों रही हो? सिद्धू, सिद्धू क्या हुआ तुझे? कहाँ से खून बह रहा है बेटा? कुछ नहीं, पता ना मुझे कहाँ से खून बह रहा है। देखा पिताजी, कुछ नहीं हुआ मुझे, छोटा सा बॉक्स गिर गया था। चोट लगी, बहुत डर थी ना। उठिए उठिए। चलो अच्छा हुआ बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता है ना तो मैं सह नहीं पाता, दुखी हो जाता हूँ, रोना आता है, दुखी हो जाता हूँ बेटा। क्या, फिर से बोलिए। दुखी हो जाता हूँ बेटा। दारू भी रखिए। जवाब दीजिए, दारू पी है? जरा फूकिए, वहां नहीं, मेरे मुंह पर। खींचिए मत, फूकिए, तुम्हें चक्कर आएगा बेटा। कोई बात नहीं, फूकिए। दारू पी है? बात यह है, वादा करके ये क्या किया आपने, शर्म नहीं आती? इसमें शर्म का है कि मैंने किसके लिए शराब पिया ये पूछो ना। किसके लिए? तेरे लिए। मेरे लिए? और किसके लिए? तुझे अवार्ड मिला, इस खुशी में पूरी बॉटल मार दी, गलत है क्या? ये आपको किसने बताया? अरे अभी अभी तूने ही बताया ना, शादी करने के बाद भुलक्कड़ हो गया है, सब कुछ भूल जाता है। देखो ना, देखिए, आप नहीं सुधरेंगे, तू भी नहीं सुधरेगा। देवी माँ, गौरी माता, अनर्थ हो गया, अनर्थ, क्षमा कर दो देवी माँ, क्षमा कर दो। माता, गौरी माता, मुझ पर तरस खाओ और मेरी बहू को क्षमा कर दो। अरे बहू को गौरी माँ ने क्षमा कर दिया, बहू को गौरी माँ ने क्षमा कर दिया। गोविंद राज साहब, बोलिए सर, मुझे अवार्ड मिलने की आपको कितनी खुशी है? इतना कि मैं कह नहीं सकता। तो फिर ये लीजिए, कह सकेंगे। मेरे हाँ, आपके लिए। थैंक्स बेटा। श्वेता, पिताजी के लिए सोडा और ग्लास का इंतजाम करो। बेटा, आइस भी लाने के लिए कह देना। आइस भी दे देना। लाती हूँ जी। बहुत बहुत थैंक्स बहू। बहू, बाहर कोई भिखारी आया है, उसे अपने हाथों से कुछ दे दे, खोया हुआ पुण्य वापस मिल जाएगा। चल, हम लोग चलते, चल। रवि भैया, तुम हो? तुम बागदाद कब गए? ये क्या मजाक है, तुम ऑपरेशन पार्टी को अंडरएस्टिमेट कर रही हो। अरे बाप रे, बहुत स्टफ है उस बुड्ढे में, मर गया। दरअसल हुआ क्या? देखने से पता नहीं चल रहा है, पोलिंग के बिना ही बूथ फट गया है, कांटों के झाड़ों में जाके फेंक दिया, पूरे बदन में कांटे चुभ गए हैं, सुई है तो दे दो, एक एक करके निकालता हूँ। ठीक है ठीक है। बेबे, वो कटोरा दे दो, मैं खा लेता हूँ। ये मैं भिखारी के लिए लाई थी। अब मुझ में और उसमें फर्क क्या है, दे दो। देखो बहुत दर्द हो रहा है, मैं सो जाता हूँ, चादर यही दे देना। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे, अब भिखारी से कुत्ता बनना पड़ेगा। बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है, सेप्टिक तो नहीं हुआ? पता नहीं यार, नवाजिन मिलेगा या नहीं। अरे मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता, बेबी ने जो कहा वही मैंने किया। ए, आज मेरे हाथों में मरेगा, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे मत मारिए। अरे तुम नहीं, चूहा यार। ओ, कहां पच के जाएगा तू? तू चूहा है। आज तू फंस गया बेटा।
कहाँ छुप रहा है? अरे रुकना, धक्का क्यों देती हो? तुम आदमी हो कि जानवर? आदमी हूँ, कांटे चुभने की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहीं तुम सच न उगा दो, इसी बात का मुझे डर था। मैं तो और भी डर गया था कि कहीं वो मेरा सर न फोड़ दे। मुंह बंद कर बेवकूफ। पहले जानवर कहा, अब बेवकूफ कहती हो। तुम में क्लैरिटी नहीं है बेबी, इसलिए तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो रहा है। मैंने फुल क्लैरिटी के साथ इस घर में कदम रखा था। एक प्लान फेल हो जाने से मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ भी हो, ये गोविंदराज जो है ना, जैसे हम बेवकूफ समझ रहे थे वो जैसा हम समझते हैं वैसा कोई चूहा या मेंढक नहीं है बेबी। बहुत ही दम है उसमें। रात को प्रैक्टिकली मैंने देखा था ना, मुझे तो ये काम मुश्किल लग रहा है। उस महफिल में मेरा और मेरे डैडी का जो अपमान हुआ उसके मुकाबले ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। उन दोनों बाप बेटों को अलग करके मैं अपने डैडी से किया हुआ वादा कैसे निभाती हूँ देख लेना। सुनो श्वेता। आ गई मेरी जान खाने। श्वेता आ रही हूँ। माँ जी। माँ जी बाबूजी कहकर इतना बड़ा ड्रामा करती है? अरे बाप रे। सच्चाई को सामने लाकर तूने मेरी आंखें खोल दी। आज तक सुना है कि कुत्ते ही वफादार होते हैं, तूने साबित कर दिया कि चूहे भी वफादार हैं। देख आज से हम दोनों दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं, ठीक है? थैंक्स। मुश्किल है, लगता है ये प्लान वर्कआउट नहीं होगा। ऊपर से फिजिकली और मेंटली स्ट्रेन। ये दोनों बाप बेटी मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। एक तरफ चुनाव भी नजदीक आ गया है। आना। क्या है? अरे आना। अभी किस लिए? अच्छा बताती हूँ। अरे बाप रे। घर वाले कोई देख लेंगे। ठीक है अभी आ रहा हूँ। घर में घास फूस खा के भूख फीका पड़ गया। तू कहाँ है बेबी? ठीक है सुनो बेबी जी, अविश्वास प्रस्ताव से ही नहीं विवादों में फंसा कर भी सरकार गिराई जा सकती है। साफ साफ नहीं बताया तो पहले तुम गिर जाओगे। कौन है वो लड़की? उसकी नेहा धुपिया, बस्ती वालों की मल्लिका शरावत। जल्दी आ, ये उसके घर क्यों जा रहे हैं? होगा कोई पुराना लेन देन, वरना ऐसे बेवक्त दूसरा क्या काम हो सकता है? हैं? हाँ तुम आओ बताती हूँ। क्या प्लान है? ये कैमरा ले जाके उनका रोमांस पूरा इसमें रिकॉर्ड करके ला। उस कैसेट को सिद्धू के चैनल वाले कैसेटों में मिला देंगे। उसके बाद बाबूजी फिनिश। वो मुझ पर छोड़ दो बेबी, आज तुम्हारे ससुर को मैं दुनिया के सामने नंगा कर दूंगा। ए जानकी जल्दी आना। अरे आती हूँ ना बाबा। पेट में चूहे कूद रहे जानकी। चीची शैतान कहीं का। चल ए, उसे कुछ मत कहना, वो मेरा दोस्त है, नाम है गणेश। ठीक है। ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा कि मुझे ऑस्कर अवार्ड मिल जाए। दरवाजा बंद है। खिड़की भी बंद है, शुरू हो गए होंगे। जानकी शेप बहुत अच्छा है। तुझे पसंद है ना? शेप अच्छा है कह रहे हैं। एक कॉपी निकाल कर बेबी को देकर बाकी को सीडी बनाकर मार्केट में उतार दिया। लाइफ सेटल हो जाएगी। अब मुझसे रुका नहीं जाएगा। कौन कहता है रुकने के लिए? शुरू कर। हो गया शुरू। कितने उतावले हो रहे हो? जानती हो कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, गैप आ गया। गैप आ गया, अब तो गैप ही गैप है। आहिस्ता चुप जाएगा। चुप जाए तो भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। गोविंदा ये तेरे लिए है। अच्छा सचमुच? ये भी तेरे लिए है। ला फिर दे दे। रुकना मत, मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत। है मुर्गी का शोरबा है। जैसी लड़की काट के खाने को मन करता है। यम्मा
लगा है मुर्गा, बोलने लगा है मुर्गा, जरा सा तू और भी नजारा तो दिखा। हा, हा, हा। आई 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 मुर्गे का शोरबा है, जोरदार है, मजेदार है, मजेदार है, मसालेदार है, खाके तो देख छोरी। हाँ, मुर्गा तो जोरदार है, जोरदार है, मसालेदार है, जब चाहो खा लेगी पिया की ये गोरी। छोड़ देंगे हम। ये कैसा गाना बदल गया? अरे बाप रे, मैं तो अपना काम भूल गया। हाँ, कैसे लोगे? दरवाजा खुला रखे। अगर तुम मिल जाओ। गोविंदा कहाँ है? ये अकेली है। बाथरूम गया होगा। तुम यहाँ? क्यों आए हो? तुम्हारा भांडा फोड़ने के लिए। नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं नहीं, क्या बोल रही है? ये तो उसको बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। वो कहाँ है, दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगी। दोनों का लेने आया तो उसको बाथरूम में छुपाती है। अलग अलग निकाल के ग्राफिक्स में एक कर दूंगा। तू क्यों चिल्लाती है? नाटक कर रही है? अरे चुप कर! बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे! बचाओ, 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 बचाओ! अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए ना, ये बदमाश घर में घुस के इस कैमरे के साथ कुछ कुछ कर रहा था। कैमरे के साथ कुछ कर रहा था? ऐसा नहीं है। अरे ये क्या पोज दे रहा है तू? सुनिए भाई, अरे हट। ठीक है, मैं कोई पोज देने के लिए नहीं आया हूँ, किसी पर्पस से मैं यहाँ आया हूँ। व्हाट पर्पस? ब्लू फिल्म बना के ब्लैकमेल करने का? ब्लैकमेल नहीं, पिछले हफ्ते बाथरूम में घुसकर ललिता की तस्वीर खींचने वाला यही है। मारो, और मारो। ये क्या सब मिलकर मारते हो? एक एक करके मारो, मैं सह लेता हूँ। अरे बाबू, क्या देख रही हो? बाबूजी, बेचारे मेरे रवि भैया को लोग पीट रहे हैं। ओहो,
बेचारा बेचारा। लेकिन इसे पीटना नहीं कहते बहू, जो पाप किया है उसकी धुलाई है। यही धुलाई है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात तुमने सुनी नहीं बहू? वो चाहे वो हो या मैं हूँ या फिर चाहे तुम हो। अब बस एक मिसाल दे रहा था बेटी, धुलाई होने दो बेटी, थोड़ी सफाई हो जाएगी। जाओ तुम अंदर जाके खाना खा के सो जाओ, थक गई होगी ना। जाओ जाओ जाओ। ओए छोड़ना मत, उसकी हड्डी बस एक कर दो। अरे छोड़ो छोड़ो, अब इसके अकल ठिकाने आ गया है, छोड़ो। अब मजा आया, लगता है मर गए, मुर्दे को क्या मारेंगे, चलो। बेवकूफ लोग, मैं इतनी आसानी से थोड़ी मरूंगा। उसे और पीटो। हाथ में आए हुए बड़े कॉन्ट्रैक्ट का न मिलना तेरी जेल की सजा, तुझे बाहर निकालने के लिए लाखों का खर्चा, जिंदगी में कभी इतनी मुश्किलों का सामना नहीं किया छोटे। उस गोविंद राज को हम छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ गोविंदा को ही नहीं, उसका बेटा सिद्धार्थ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीनने वाला वो वीरेंद्र, इन तीनों का खात्मा करने की एक तरकीब है। हेलो, मैं हूँ बेटी। बोलिए पिताजी। शिवानी के लिए बढ़िया सा रिश्ता आया है बेटी। ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे शादी कब होगी? लेकिन वो क्या है पिताजी, उन्हें रुपयों की जरूरत है इसलिए अभी मांग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रिश्ता है इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। तुम जानती हो ना मेरा पीएफ आने में और थोड़े दिन लगेंगे, इस बीच तुम दामाद जी से बोलकर कुछ इंतजाम कर सको तो। मैं उनसे पूछ के बताऊंगी पिताजी, आप भी अलग से कोशिश कीजिए। पूछने का बुरा मत मानना बेटी, मैं रखता हूँ। ठीक है पिताजी। क्या बात है, उदास लग रही है? मेरी बहन की शादी तय हो गई। ये बात है, शादी कब है? वो लेन देन की बात पूरी होने से पहले कहना मुश्किल है। श्वेता, श्वेता। क्या बात है सिद्धू? हाँ, ये कैश रख लो, चैनल ने हार्ट फाउंडेशन के लिए इकट्ठा किया, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लो। ठीक है। चलता हूँ। अरे सिद्धू, घर में माजी के होते हुए ये मुझे क्यों दे रहे हो, उनके पास दे दो ना। गुड, ये तुमने ठीक कहा। क्या है सिद्धू? ये अपने पास रख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते साहब जी। नमस्ते, कौन है आप? गोविंद राज जी के घर का नौकर हूँ। आपकी बेटी ने आपको ये रुपए भिजवाए हैं। बेटी ने भेजा है, बड़ी खुशी की बात है। आओ चाय वाय पी के जाना। जी नहीं, बीबी जी से कुछ कहना है। बोल देना कि निमंत्रण पत्र लेके आऊँ। जी अच्छा, चलता। अच्छा। तुम क्या कर रही हो मेरी समझ में नहीं आया, मुझसे चोरी करवा के वो रुपए वहाँ दिलवा दी। अगर वही रुपए मेरे मुंह पर फेंकती तो मैं गाँव चला जाता। तुम कहीं नहीं जाओगे, गोविंदराज को शहर छोड़ने के लिए मजबूर करूंगी। कोई नई बात बोला ना, अभी तक ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूँ। अब सुनोगे नहीं देखोगे, वो गोविंदराज मुझे चांटा मरेगा देख लेना। और सिद्धू, क्या कोई भी पति अपनी बीवी पर कोई दूसरा हाथ उठाए तो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो सच है, लेकिन वो गोविंदराज तुम्हें क्यों मारेगा और कैसे मारेगा? मारेगा, जरूर मारेगा। श्वेता। अभी आई। डे बाय डे लाइफ डार्क होती जा रही है। श्वेता। आ रही हूँ सिद्धू। क्या बात है? क्या बात है, मैंने फोन में बताया था ना कि मैं हार्ट फाउंडेशन के पैसे लेने आ रहा हूँ। सॉरी माजी से अभी। जाओ जल्दी ले आओ। माजी, उन्होंने आपसे रुपए ले आने के लिए कहा है। ठीक है श्वेता। माजी, सिद्धू बाहर वेट कर रहे हैं। सुनो श्वेता, रुपए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रुपए दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, वो अलमारी में रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। ठीक से देखा ना? हाँ, सब जगह ढूंढ लिया। सुनो श्वेता, तुम बुरा ना मानो तो। मैं बुरा ना मानो तो? वो बोलिए, वो माने? तुमने तो नहीं देखे ना? यानी रुपए मैंने चुराए हैं? ये बात नहीं, पूछा कहीं देखी तो नहीं, इल्जाम तो नहीं लगा रही हूँ। आपका मतलब मैं अच्छी तरह समझ गई। सिद्धू, सिद्धू, श्वेता, श्वेता मेरी बात तो सुनो। श्वेता चिल्ला क्यों रही हो? क्यों नहीं चिल्लाऊंगी, उन्होंने जो बात
बात कही उसके लिए खुदकुशी करनी चाहिए। आखिर हुआ क्या? तुमने जो रुपए दिए थे वो दिखाई नहीं दे रहे और कह रही है कि मैंने निकाले हैं। चोरी करने की मुझे क्या जरूरत है? करोड़ों की जायदाद को छुपाकर मरकर तुम्हारे रुको ना, कुछ ज्यादा ही कर रही हो। आपने सब जगह ठीक से ढूंढ लिया ना? सब जगह ढूंढ लिया सिद्धू। कहीं आपने किसी को दिया तो नहीं? याद कीजिए। नहीं, किसी को भी नहीं दिए। तो फिर ये बेटी शांति। अच्छा, सब लोग यहीं पर है। कैसी हो श्वेता बेटी? तुम कैसे हो बेटी? अच्छा बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। बेटी होकर एक बेटे की जिम्मेदारी निभाई है तुमने। तुमने वक्त पर रुपए भेजे बेटी, वरना शिवानी की शादी जन्म में नहीं होती। किसने भेजे? अरे तुमने ही तो भेजे थे। मैं अभी लड़के वालों को देकर आ रहा हूँ। अभी आया भाई। बेटी शादी की तैयारियां करनी है, दामाजी से कह देना। चलता हूँ बेटा, चलता हूँ बेटी। तुमने देख लिया ना सिद्धू? बस करो। सिद्धू बात यह है कि इस बात को भूल जाइए। रुपए मैं कहीं से एडजस्ट करके दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। ओके थी तो मुझसे पूछ लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? अपने ही घर में मैं चोरी करूं? मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं। आपने नहीं दिए तो और किसने दिए उन्हें रुपए? रुपए खुद चलकर उनके पास चले गए। मेरा टाइम अच्छा था, वो खुद यहाँ पर आ गए और सच्चाई का पता चल गया। उम्र होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। देखो श्वेता, अगर मैं खामोश हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कसूरवार हूँ। क्या बात है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम में शर्मो हया कुछ नहीं। जाओ अंदर। तुम भी अंदर जाओ बहू, जाओ। मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया है, बुरा मत मानना। मैंने कोई गलती नहीं की है। जानता हूं तुम मेरी पत्नी हो, गलत कर ही नहीं सकती। चुप हो जाओ शांति, चुप हो जाओ। बस जी, यही काफी है। मैंने कोई गलती नहीं की, इसका आपको विश्वास है तो यही काफी है। लेकिन ये सब किसने किया और क्यों किया, ये मैं नहीं जानती। मैं जानता हूँ। जानते हैं? कौन है वो? श्वेता। ये बात जानकर तुम दुखी ना हो जाओ, इसलिए आज तक नहीं बताया। सारी खुशियां सबको बांटकर जमाने भर का दुख अपनी सीने में समेटने वाले महान हैं मेरे पति, इस बात का मुझे गर्व है। साथ साथ मन में दुख भी है। उस लड़की को सिद्धू चाहिए और हमें उन दोनों की खुशी, इसलिए पास रहकर दूर होने से अच्छा है दूर रहकर पास होना। गाड़ी नंबर 7041 दिल्ली जाने वाली जयंती। सिग्नल दे दिया है, तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है, बाय बाय। 9:15 ये दोनों यहाँ रवाना होगी।
हेलो हाय बेबी हाउ आर यू हाय डैड ग्रेट न्यूज क्यों बेबी बहुत खुश लग रही हो क्या बात है गोविंदराज हार मानकर बीवी के साथ घर छोड़कर भाग गया दैट्स इट दैट्स माय डॉटर अच्छा अब क्या करने वाली हो अब मैं सिद्धू को लेके हमेशा के लिए घर आ रही हूँ ओके बाय डैड मेरे डैड का फोन कह रहे थे मुझे मिस कर रहे हैं पति को पराई औरतों की चंगुल से बचाना पत्नी का धर्म हो सकता है लेकिन उसे माँ बाप से पराया बनाना पाप है जाओ यहां से सिद्धू एक बार एंगेजमेंट कैंसिल करके तुमने गलती की अब मुझ पर हाथ उठाकर दूसरी गलती कर रहे हो जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो उन्हें ठुकरा कर एक ना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे वो दिन कभी नहीं आएगा आएगा जरूर आएगा चप्पल से मारूंगा उससे पहले हम दोनों चले जाएंगे चलो बेबी अरे सुनो गाड़ी भेजो हमें बाहर निकाल दिया परिचय कराता हूँ ये है सत्या बिहारी मेरी नई पार्टी के अध्यक्ष हैं ये सब क्या है पॉलिटिक्स है बेबी मैंने वादा किया था कि तुम्हें यहाँ ले आऊंगा पहली बार वादा निभाया मैं बहुत खुश हूँ यू चीट चीटिंग के बारे में बात करने का हक तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को नहीं है तुम्हारा बाप चीटिंग करके घर बनाता है और तुम चीटिंग करके घर तोड़ती हो ना सुनो बिहारी भाई मैंने अपना वादा निभाया मुझे जो देना है वो दे दो मैं निकलता हूँ काम पूरा होने दो हेलो सत्या बिहारी बोल रहा हूँ क्या बात है मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास भी नहीं है डेडलाइन में आ गया हूँ मेरा नाम ब्लैकलिस्टेड है बैंक से जो लोन लिया है वो मैं कैसे चुकाऊंगा तो मैं क्या करूँ हमारा बैंक लोन भरने के लिए और कारोबार के लिए अपनी जायदाद में से 50% यानी 25 करोड़ का इंतजाम करके दो क्या बात कर रहे हो आर यू मैड मेरी पूरी बात सुनोगे तो मैं नहीं तुम पागल हो जाओगे अगर कोई चालाकी की या पुलिस के पास जाने की जरूरत की तो अपनी बेटी को मरा हुआ पाओगे What? क्या बात है जी? अरे रुकना मैंने जो कहना था कह दिया मेरी बात मानोगे तो बेटी बच जाएगी मेरी बेटी को कुछ मत करना मुझे कहाँ आना है बोलो वो 25 करोड़ अपने समथी गोविंदा के हाथ भेजो सर पुलिस कमिश्नर को फोन कीजिए नहीं तो अपने मिनिस्टर राम नरेश कोई कुछ नहीं कर सकता मेरी बेटी को सिर्फ गोविंदा बचा सकता है और उसे मैंने ही भगा दिया अब वो कहाँ होगा किस हाल में होगा नहीं जानता मैं जानती हूँ जी साहब उन 25 करोड़ में से हम सर अभी आपने किसके हाथ रुपए भिजवाने के लिए कहा गोविंदा के हाथ किस लिए किस लिए उस गोविंदा की वजह से उसे मेरे भाई को जेल जाना पड़ा उसके बेटे ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं ब्लैकलिस्ट हो गया इसलिए इस किडनैपिंग के जरिए मैं उस गोविंदा को और उसके बेटे को यहाँ बुलाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा सत्यानाश कर दिया बेवकूफ कहीं के मुदकाये निवाले को ठोकर मार दिया ठीक माल आपस में बांटकर बाहर निकलने के बजाय ये बदले का पागलपन कैसा कल से 10-20 के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी तेरी शक्ल देख कोई भीख भी नहीं देगा टुकड़े टुकड़े कर डालेगा जानता है कौन है वो गोविंदा ऐसे वैसे नहीं मारे तूने अपनी मौत तुझे अभी टपका तू कैसा नहीं छोटे रुक जा इसकी आंखों के सामने उस गोविंदा को मारेंगे फिर इसकी खबर लेंगे गोविंदा
को क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? गोविंद, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मेरी बेटी को बचा ले। अरे क्या बात कर रहे हैं, वो तेरी बेटी ही नहीं मेरी बहू भी है, हमारे घर की महालक्ष्मी। सब मुझ पर छोड़ दे, उसने कहां बुलाया? मैंने बोला ना, अब लेके जाओ। कहां है रे मेरी बहू रानी? तो आया है सत्या, सत्या बिहारी का डेपर। ए, किसी का भी अड्डा हो मुझे क्या, उल्टे काम करने वालों की कमर तोड़ना ये गोविंदा का स्टाइल है, जल्दी भेजो। तू जो रुपए लाया है उन रुपयों के साथ तेरी जान भी लेने के इरादे से ही तुझे यहाँ बुलाया है। मेरी बहू को किडनैप करके तूने एक गलती की, मुझे यहाँ बुलवा के तूने दूसरी गलती की। ये गोविंदा सिर्फ एक ही गलती को माफ करता है, दूसरी गलती को माफी नहीं मिलती। जंक्शन जाम हो जाएगा तो जिंदा बचेगा तभी ना। अबे सत्या, एक घंटा खत्म होने के लिए 60 मिनट चाहिए, एक मिनट खत्म होने के लिए 60 सेकंड चाहिए, तुझे खत्म करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड ही काफी है, वैसे वो भी ज्यादा है, जल्दी भेज। Oh!
बहू, तुम्हें कुछ नहीं होगा बहू, कुछ नहीं। क्षमा कर दीजिए बाबूजी। बहू क्षमा कर दीजिए। बहू ये क्या कर रही हो, उठो। तुम तो मेरी बेटी हो, तुम्हें क्या माफ करना, रो मत। इस तरह क्या देख रहा है, आ जा, जाओ बेटी जाओ। I'm sorry सिद्धू, I'm really sorry. It's okay. गोविंद राज जी कहाँ हैं? वो अंदर तैयार हो रहे हैं। अरे गोविंद राज साहब जल्दी आइए। मैं कैसा लग रहा हूँ डैड? ये कैसा गेटअप है? जैसा दादा वैसा पोता, हमारा स्टाइल ही कुछ ऐसा है, क्यों गोविंदा? हाँ गोविंदा। शाबाश, आज तुम्हारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इस गोविंदा के गेटअप को ही फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए, नहीं मिला तो जंक्शन जाम हो जाएगा। बस हो गया, चल स्कूल जाना है, तू जा मैं ड्रॉप कर दूंगा। हाँ। चल गोविंदा चलते हैं। अबे ओ बदमाश, मेरी बीवी को किस देता है, एक दूंगा। टेक इट इजी गोविंदा, बुरा मत मानना, कम ऑन। चल कोई बात नहीं। गोविंदा बोल। गोविंदा डैडी को ओवरटेक करो, जंक्शन जाम कर देंगे देख लेना। ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये गोविंद तो सबका है। हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः, ये गोविंद तो सबका है। हर दम ही तुम सबके दुखों को दूर करता है। मैं ही तो हीरो, बाकी है जीरो, मैं सबका राजा, मैं शहजादा। पर टेंशन न देना वरना पिटोगे, जंक्शन में जाम कर दूंगा। ये थाई 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 ता दे, नचले 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 ता थाई।